वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने प्रोग्राम तो बड़े ही मज़े से शुरू किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरा प्रोग्राम आप अकेले बैठ के देख सकें। मुझे लगता है कि आपको किसी न किसी की ज़रूरत होगी आज का प्रोग्राम देखने के लिए, क्योंकि क्या होता है, हमारे साथ ज़िंदगी में कोई ना कोई अनहोनी हुई भी होती है, और जब सारे लोग आपस में बैठकर उन अनहोनियों का जिक्र करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई लॉजिक नहीं होती, या कोई भी किस्सा किसी के साथ खुद के साथ हुआ हुआ होता है, तो सब बैठ के बात तो कर लेते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करने में मज़ा भी आता है, लेकिन उसके बाद जो एक डेढ़ हफ्ते तक डरते रहते हैं ना, खौफ आता रहता है ना, यहाँ से कोई आ जाएगा, वहाँ से कोई आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये खौफ आपके अंदर डेवलप हो जाता है। हम कराची में रहते हैं, और बहुत सारे किस्से मुल्तान के भी हैं, बहुत सारे किस्से पंजाब के भी हैं, बहुत सारे किस्से अलग अलग जगहों के, बहुत सारे किस्से मुझे दुबई के भी मालूम है, मतलब यूएई में एक इलाके के अंदर फलाना धमाका, ये सारी बातें मैंने सुनी हुई हैं। आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी जो मेरे दिमाग में आया कैसे कि ये प्रोग्राम करते हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक रिपीटेशन हो रही थी चीज़ की कि शहीद-ए-मिल्लत पे कोई दरख्त है, उस दरख्त के नीचे से ना कोई वो स्लिपरी है जगह, ना कोई ऐसी चीज़ है, उस दरख्त के नीचे से जब भी कोई बाइक गुजरती है ज़्यादातर तो बाइकर्स को गिरा दिया जाता है, वो गिर जाते, और दिन का टाइम हो, रात का टाइम हो, कुछ शरारत जैसे कोई करता है ऐसे कि ऐसे कैसे सब गिर सकते हैं। तो वो पैकेज मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये दरख्त तो मैंने देखा हुआ है, कितने सारे बाइकर्स एक ही दरख्त के नीचे से गुजरते हुए गिर रहे हैं। और इसी तरह बचपन से जब हम छोटे थे तब से हम सुनते आ रहे हैं कारसाज का किस्सा कि कारसाज पे जाती है गाड़ी तो ख़राब हो जाती है, तो वहाँ बड़ा डर लगता है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, फलाना है, कोई कहता है मैंने ये देखा, कोई कहता है मैंने वो देखा, जितने मुँह उतनी बातें। अभी भी ये शो मैंने किसी को डराने के लिए नहीं किया, ये डरावनी चीज़ें नहीं दिखाओ भाई, ऑन स्क्रीन हम सब आपस में बैठ के गपशप करेंगे, ज़रा बहुत बातचीत करेंगे, और अक्सर ये जब ख़ानदान वाले भी जमा होते हैं तो इसी तरह एक दूसरे को कहानी किस्से जो उनके ऊपर आप बीती होती है वो एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। उस वक्त तो पता नहीं चलता सब एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन जब अकेले हो जाते हैं ना आप, तो फिर आपका दिल बहुत घबराता है। अच्छा, खाली यही नहीं, हैदराबाद में भी एक जगह है, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें होती हैं, जिसका नाम है शमशान घाट। ओफ़ माई गॉड। अच्छा, मैं अगर अपने किस्से से आपकी शुरुआत करूं, अपने आप बीती से शुरुआत करूं, तो मैं नाम नहीं लूंगी, मैं एक स्टूडियो में थी, मैं स्टूडियो से बाहर निकली और उस स्टूडियो के करीब बहुत सारे और स्टूडियोस थे, कौन सा चैनल था, कौन सी जगह थी, वो मैं नाम लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन मैं अपना एक आई डोंट नो एक्टिंग का था काम या होस्टिंग का था, मुझे याद नहीं, काफ़ी सालों की बात है, मैं उस स्टूडियो से निकली तो मुझे आवाज़ आई यासिर की, निदा निदा ऐसे करके ना, बकायदा जैसे यासिर मुझे छेड़ने के लिए करता है। मैंने कहा लो जी मुझे ये लेने आ गया भाई, मैं तो बड़ी खुश हुई, मैंने पीछे देखा कोई भी नहीं, फिर मैंने आगे देखा कोई भी नहीं। अब मेरे बराबर में एक स्टूडियो था जो बिल्कुल अंधेरा था, जो बिल्कुल खाली था, मैंने कहा शायद यहाँ छुपा हुआ है, मैंने जाके स्टूडियो के अंदर देखा, यूं गौर से अंधेरा घुप, उसके बाद ना मेरे कोई आगे ना मेरे कोई पीछे ना दाएं बाएं, और सन्नाटा, और वो यासिर की आवाज मेरे कानों में गूंज रही। मैं तो जो दुम दबा के भागी हूं किसी तरह गाड़ी तक, और मेरा जो हाल हुआ है, तो मैंने खुद मतलब पर्सनली ये चीज़ जो है एक्सपीरियंस की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की हैं जिनकी जिनके क्लिप्स तक मेरे दिमाग में महदूद हैं। वह बचपन में भी कभी हम छुट्टी पे मरी गए हैं या कहीं और गए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे दिमाग में नक्श हुई हुई हैं, और जब मैं जिक्र भी करती हूँ तो मुझे एकदम मतलब लाइक घबराहट शुरू हो जाती है। ज़िंदगी में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है, कुछ अनहोनी हुई भी होती है, उसको लगता है कि कुछ कोई है और आगे पीछे वो देखता है तो होता नहीं है कोई,
अक्सर आप अकेले कमरे में बैठे होते हैं, आपको साए नज़र आना शुरू हो जाते हैं, आपको आवाज़ आना शुरू हो जाती है, फिर पता चलता है कभी कभार कि अच्छा वो तो पंखे की आवाज़ थी, ओके वो तो बराबर वाले घर से दरवाजे की आवाज़ आई थी, तो कभी कभार आपका वहम भी होता है, लेकिन कभी कभार ज़िंदगी में कुछ रियलिटीज़ भी होती हैं। बस यही बात आज मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्योंकि जब हम शूटिंग्स पे बैठते हैं ना, शूटिंग पे बकायदा एक सेशन होता है, सारे जब फारिग टाइम होता है सारे सेलिब्रिटीज़ बैठ जाते हैं और अपने अपने किस्से एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आज कुछ इस तरह करें, आप अपनी कोई ना कोई बात टेलीफोन कॉल के ज़रिए हमसे शेयर करें, हम अपनी बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे पास हमारे दिमागों में नक्श है वो हम आपसे शेयर करते हैं। और डरने की बात नहीं है, माशाल्लाह अल्लाह ने हमें कुरान शरीफ इतनी ऐसी रिस्पेक्टेबल किताब है जो हमारे साथ है, उसका साया हमारे साथ है, तो हम महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। गौर से आज का प्रोग्राम देखिएगा और अपनी कोई भी ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ शेयर कीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए तैयार बहुत सारे किस्से सुनने के लिए। गुड मॉर्निंग, इतनी ड्रोनी म्यूज़िक लगा के अब मुझसे कह रहे हैं शो करो, मैं कैसे करूं भाई। अपने आपस में जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त ऐसा माहौल नहीं क्रिएट हुआ हुआ था। मैंने इन लोगों से कहा था खबरदार जो सेट पे कोई काला और ये सब चीज़ें की, क्योंकि हम आपस में बैठ के ऐसी गुफ्तगू करें जैसे फैमिली में बैठ के दूसरे को एक दूसरे के साथ जो हुई हुई आप बीती चीज़ें वो शेयर की जाती हैं। तो जैसे हम शो के बाद भी बैठते हैं तो कुछ सेलिब्रिटीज़ या कुछ एक्सपर्ट्स हम आपस में एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे होते हैं, तो मैंने आज उन्हीं लोगों को बुलाया है जिन्होंने कभी मुझसे कोई बात शेयर की। तो मैंने कहा कि आज हम बैठते हैं यहाँ पे और एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, आप फ़ोन कॉल्स के ज़रिए अपनी भी आप बीती हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ नताशा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ साइमा कुरैशी हैं, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और वो माइक लग गया। हमारे पास चौथे एक गेस्ट हैं जिनका मुझसे बहुत गहरा ताल्लुक है, और ये तो जब किससे कोई सुनाता है ना मतलब तो मेरी तो जान मतलब निकल जाती है। आ गई यासर नवाज, अस्सलाम वालेकुम। बैठे चश्मा लगाए रखोगे? नहीं, मैं 5-10 मिनट लगाऊंगा बता रहा हूं, सोच कर आया था, 5 मिनट बता रहा हूं। हाँ अच्छा भाई, जैसे कि हम शो शुरू किया मैंने सबसे पहले सबको जो है ना वो शहीद मिल्लत पे एक बाइक बार बार गिरती है वो मैंने पैकेज शेयर किया। फिर कहते हैं कि कार सास पे भी कोई एक दुल्हन है जो घूमती है। अच्छा सच्ची बात है, मैंने नहीं देखी आज तक दुल्हन, लेकिन बहुत लोग डिस्कस करते हैं। आपने देखी है क्या? मैंने 2 दफ़ा देखा है। मजाक नहीं करो, सीरियसली मैंने दो दफ़ा मैंने इस तरह नहीं देखा। मैंने मतलब किस तरह कैसा है या ब्रेक के बाद सुनाते ना? नहीं ब्रेक अभी नहीं हुई, करें ब्राउन सब भाग जाएंगे। नहीं नहीं हम नहीं भाग रहे। अच्छा ये दुल्हन वाला जो किस्सा है ना, ये तो लाहौर में भी गोरा कब्रिस्तान के साथ एक रोड जा रही है। हाँ। जो नाले वाली रोड है और वो बिल्कुल मतलब वहाँ उस पूरी रोड पे लाइट्स नहीं है। हाँ। तो वहाँ पर भी ये वाला किस्सा तो बहुत लोगों से अभी तक मैंने पिछले कितने सालों में कोई समझने 50-60 लोगों से सुन लिया है। कोई उस रोड से अगर जब आप 12 बजे के बाद कहीं आप गुजर रहे होते हो तो वहाँ पे कोई एक पूरी दुल्हन बनी हुई रेड लिबास में एक खातून कोई खड़ी होती है तो लोग रुकते हैं। जो कभी चल रही होती हैं, कभी रुकी हुई होती हैं, या कभी हाथ दे रही होती हैं कुछ इस तरह, तो आई डोंट नो रुक के या अच्छा तो... मैंने एक चीज सुनी थी, ये जो कारसाज वाला जो रोड है तो बाप यहाँ से जाएं तो कोई ना कोई गाड़ी खराब जरूर मिलेगी आपको। ये मैंने सुना था, मैंने ये चाची ये तो हमने देखा हुआ भी। तो अक्सर मैं जब गुजरता हूँ मैं नोट करते, जब याद आता है ना मुझे तो मैं नोट करता हूँ, मुझे कोई ना कोई गाड़ी लेफ्ट या राइट साइड पे एक खराब गाड़ी जरूर मिलती है। दुल्हन का क्या सीन है? दुल्हन का सीन नहीं, दुल्हन का सीन ये सुना रही थी मैं। नहीं आप कह रहे थे ना, पहले आपने शुरू किया तो मुझे आपकी बात से याद आया, लाहौर का सुना रही हूं मैं। हां लाहौर वाला, लेकिन ये कराची वाला ये सुना है कि लाहौर वाला है। मैं सुना मैं एक सीरियल कर रहा था दिल दिया दहलीज। हां तो वो 2-2.5 साल चला है, कैंट में शूट कर रहा था मैं, उसका एक पोर्शन था जो मुझे खंडर दिखाना था। अच्छा तो मुझे किसी ने बताया कि आप दूर जाओगे खंडर तलाश करोगे तो आप आते हैं क्लिफ्टन ब्रिज से उतरते नीचे। हाँ। अगर आप क्लिफ्टन 3 तलवार से आ रहे हैं ब्रिज उतरे नीचे। हाँ। तो सिग्नल के फौरन बाद एक लेफ्ट पे एल शेप में एक पुरानी खंडर टाइप की बिल्डिंग है। हाँ, होटल टाइप लगता है जैसे पुराने जमाने का। होटल नहीं है वो, पुरानी बिल्डिंग है कोई मैरियट के थोड़े एक दो बिल्डिंग छोड़ के। अगर आप क्लिफ्टन 3 तलवार से आ रहे हैं आया याद आपको उतरते नीचे आया याद बिल्कुल
पुल उतरते हैं नीचे, सिग्नल आता है, सिग्नल के बिल्कुल लेफ्ट पे नजर आएगी आपको बिल्डिंग, लेफ्ट पे नजर आएगी। अच्छा वहाँ हमारे प्रोडक्शन वाले किसी से बात कर रही, बोला हमारे सारे सीन नाइट सीन थे हमारे, कोई डे का सीन नहीं था। तो मैंने प्लान किया काम करते हैं हम 9-10 बजे के बाद हम शूट शुरू करेंगे और सुबह 5-6 बजे तक करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक का शोर भी कम हो जाएगा। डिसाइड प्रोडक्शन के बंदे ने वहाँ से बात की। अच्छा उसका जो चौकीदार था वो भी बिल्कुल मिस्टीरियस ना, एक तो ऊँचा सुनता, बात क्या करो जवाब 5-2-3 सेकंड बाद 4 सेकंड बाद आया, फिल्मों में नहीं होता सीरियसली बिल्कुल। हाँ अब वो ऊँचा सुनता था। हाँ अच्छा उसका अपना जो कमरा था वो, अच्छा आपने देखा होगा नीचे ट्रैफिक कांस्टेबल बैठे होते हैं कोने में, उसके साथ एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी सीधे उसके कमरे में जाती है। अच्छा तो उसके पूरे पिछले घर से कोई ताल्लुक नहीं था, पूरे बिल्डिंग से ताल्लुक नहीं था, अलग ही अपना, उसके ऊपर लाइट भी नजर आएगी जलती हुई आपको। अच्छा वो उस कमरे में रहता था, उधर ही से उतरता बाहर निकलना। खैर हम पहुंचे तो मैं और सब टीम पहुंचे तो मोहम्मद राना का एक सीन था छोटा सा, तो अंदर मुझे ना थोड़ी सी वहशत फील हुई। मम्मी ने कहा मुझे, बोला कुछ अजीब सी घुटन सी फील नहीं हो रही है, हालांकि वो खुला था। नहीं नहीं पीछे एल शेप में, फ्रंट से एल शेप में, अंदर एक सहन बना हुआ बीच में। अच्छा तो सहन तो खुला होगा, आसमान नजर आ रहा था पूरा। हाँ तो मोहम्मद राना ने कहा, मम्मी ने कहा कि यार एक वहशत सी फील नहीं हो रही है। मैं, मुझे भी हो रही है लेकिन शायद बंद है, और हम खुद पहली बार आए बाहर से देखते हुए गए, अंदर कभी घुसे नहीं, शायद ये भी वजह हो। हाँ। खैर मम्मी ने वो सीन कराया, वो तो 10:30-11 बजे चला गया घर। अच्छा अब हमारा सीन था कमरे के अंदर और आर्टिस्ट हमारी थी हमारे साथ बिनिश चौहान। ये रात की बात हो रही है, रात की सीन थे ही रात के सारे। अच्छा। वहाँ एक सीन लेगा नहीं था। अच्छा। तो बिनिश चौहान थी, फैसल शाह जो हीरो था सीरियल का वो था, और बाकी टीम सीन थी एडी में। तो मैं ट्रैक लगा हुआ बिछा हुआ था बाहर, मैं ट्रैक पर बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ मेरी एडी बैठी हुई है, सामने फैसल बैठा हुआ है, बिनिश चौहान बैठी हुई है, हम सब बैठे हुए हैं और अंदर कमरे में लाइट हो रही है। हाँ। सामने वाले कमरे में लाइट हो रही है, ये पूरा इधर कमरे ऊपर नीचे। हाँ। और फ्रंट में हम काम कर रहे हैं। अच्छा रात के उस टाइम बज गया था 12:30-12 एक बज गया होगा शायद, तो मैं बैठा हुआ तो मेरी नज़र ऊपर गई, तो मैंने ऊपर देखा ये क्या है, तो मैंने बखुदा मैंने देखा वाइट किस्म का शेडो, मैं शोल्डर नजर आ रहे हैं और ये सर है, लेकिन सर चेहरा नजर नहीं आ रहा, ये सर और शोल्डर बना हुआ और कोई यूं झांक रहा है। अच्छा मैं यूं बैठा देख रहा हूँ ऊपर में, तो मैंने अपने एडी से कहा तो कोई राइट पे देखो खिड़की वो नजर आ रहा है, बोला आपसे पहले मैं वहीं देख रही थी, मैं क्या देख रही, बोला कोई झांक रहा है। मैं अच्छा खामोश रहो, अगर अब हमने शोर मचाया तो फिर एक्टर शोर मचाएंगे, सीन नहीं करेंगे, वो लड़की है वैसे भी, तो मैं चुप रहो खामोश। मैंने थोड़ा इग्नोर मारा, अब मेरा ध्यान सारा उस तरफ। अच्छा वो शेडो वो देख रहा है मुझे, और देखते 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 ऐसा पीछे हुआ, पीछे हुआ गायब हो गया, मतलब पीछे हुआ है वो, गायब नहीं हुआ था वो, ऐसा से नज़र आ रहा है कि मूव कर रहा है पीछे चला गया। तो मैंने देखा तुम, बोला पीछे चला गया, अब हम तो आहिस्ता बात कर रहे ना, तो मैं देखा तुमने, बोला हाँ देखा मैंने वो पीछे चला गया। अच्छा चुप रहो, अरे मेरी हालत ख़राब हुई उस वक्त, और मेरी पूरी और 3 दिन काम था मेरा उस घर में, तीन रातें काम था मेरा। और आपको पहली रात ही नजर आ गया, ये पहली रात दो घंटे बाद। अच्छा उसके बाद क्या देखता हूँ, दूसरी खिड़की, सात वाली खिड़की पर, पुराने घरों में खिड़कियाँ बहुत होती है ना। हाँ। सात वाली खिड़की पर आ गया वो, तो वहाँ सीधा झांक रहा है। अब वो दूसरी जगह चला, अभी दूसरी जगह नहीं है। अच्छा ये खिड़की है ना, पहले खिड़की पे था, अब सात वाली खिड़की पे आ गया, अब बराबर वाली, बराबर वाली खिड़की, वो शायद दूसरा रूम होगा अंदर, मुझे पता नहीं क्या। अच्छा तो वही चीज आपने, वही सेम वो चीज, वाइट शेडो, ठीक है, सर का एक शेप बना हुआ है, चेहरे का चेहरा नजर नहीं आ रहा, डार्क हुआ है लेकिन शेप नजर आ रहा है, शेप और वाइट शोल्डर ये नजर आ रहा है। मैं क्या देखा दूसरी खिड़की पे आ गया, अब मैं और एडी बात कर रहे हैं, इतने फैसल शाह को भी आवाज आ गई कि बोला आपसे पहले मैं भी देख रहा था, उससे ऊंचा बोला बिनिश की हालत खराब हो गई, ये बिनिश अगर शो देख रही होगी उसको याद होगा पूरा। मैंने क्या देखा, क्या है क्या है, मैं कुछ नहीं, मैं इतने लोग बैठे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। मैं अब वो शेडो दूसरी जगह नजर आ रहा, अब मिनिश तो देखी ना ऊपर, मिनिश की हालत खराब, मिनिश नीचे क्या हुआ सर। अब मैं और सदब देख रहे हैं, तो चेहरा कैरेक्टर दूसरी जगह खड़ा हुआ देख रहे हैं उसको, देख रहे हैं वो, फिर आहिस्ता आहिस्ता साइड में हो गया वो। हाँ। अब वो चला गया, इतने आवाज़ आ गई डी ओ पी की, आए बस लाइट हो गई, मैंने चलो अब हम जा रहे हैं लाइट करने, तो मैं अब सारा ध्यान उस तरफ था आपका। उसके बाद अब मैं जब पहुंचा हूं, तो मैं फिर देखा तो अभी इस बिल्डिंग से ना इस तरफ आ चुका है। ओह माय गॉड, मतलब लाइक जगह चेंज हो गई, बिल्कुल टोटली जगह चेंज हो गई, ये पूरी बिल्डिंग ना इससे इस कोने में आ गया और सामने खड़ा देख रहा है ऐसा। ओए उस समय डर गया मैं, यार ये तो कोई मसला है कोई, मैंने डी ओ पी बोला, मैं मसला काम होता ना एक आध घंटे का या आज का एक दिन का काम होता तो मैं कर लेता, 3-4 दिन का काम है यहाँ पे और फंस गया तो फिर निकल नहीं सकते। मैं डी ओ पी को बुलाया, यार ये मसला है वो देख रहा है सामने, बोला हाँ।
क्या है, बोला कुछ कुछ ऐसा है, कोई कोई दिख रहा है मैं। अच्छा मजे की बात, नजर भी सबको आ रहा है, सबको आ रहा है। हाँ तो मगर ये शूट करना ऐसे ही नहीं, तो निकलते हैं यहाँ से। तो डीओपी ने कहा कि यार ये एचएमआई जो लाइट लगी, बड़ी लाइट होती है हमारी बहुत, उसका मुंह उस कमरे की तरफ था। अच्छा, बोलो बॉस मुझे हुक्म ऑर्डर दें, तो मैं इसको सिर्फ सेकंड लगेगा घुमाने में, तो सीधा उसके मुंह पे जाएगी लाइट। अच्छा, जो भी कैरेक्टर सामने होगा बताया मैं करूँ, बोला घुमानी है सिर्फ लाइट मुझे। मैं सोचा मैं यार नहीं रहने थे यार, ये किसी ने आगे होके देखा नहीं कि वो कौन हो सकता है या अच्छा दिख सबको रहा था, मतलब बॉडी नहीं थी उसकी, आप ये कहना चाह रहे हैं? शक्ल नहीं थी, बॉडी थी, वाइट 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 कपड़े थे जैसे होते हैं वाइट कपड़े, साफ सुथरे कपड़े, लेकिन चेहरे की जगह पे डार्क डार्क शेप आया हुआ था चेहरे का, ये नहीं चेहरा शेप नहीं हो, जैसे आप अंधेरे में खड़े हो तो चेहरे का पूरा शेप बना हुआ था शोल्डर ये। तो उसने बोला डीओपी ने कहा कि मैं घुमाऊं, मैं नहीं यार बुरी बात हो जाएगी, कोई मसला ना हो जाए, तो मैं पैकअप करूं यहाँ से, क्योंकि तीन चार दिन काम करना है यहाँ पे, और एक दफा शूट कर ली तो मैं दोबारा ही, क्योंकि खंडर दिखाया था लड़की को कैद किया होता मामू राणा ने, क्या कहानी ऐसी थी कुछ। अच्छा, तो मैं कह रहे फंस जाएंगे हम लोग। भाई मैं आपको बताऊँ, मैं फिर मैं कहूँगी मैं जगह का नाम नहीं लूंगी, वो अजीब हो जाता है, ऐसा ने तो जगह भी बता दी, अब सब जाके खोज लगाएंगे। नहीं तो वो तो अब बात भी नहीं है ना, इसलिए बता भी दिया ऐसे। मैं कुकिंग शो कर रही थी और जो शेफ है वो मीठे के प्रोग्राम करते थे, तो प्याला इतना बड़ा चीनी का रखा और वो ऊपर रखकर टेबल पे नीचे कुछ करने गए हैं, जब वो ऊपर हुए तो चीनी गायब, चीनी गायब। तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने खुद खुद एक्सपीरियंस की हैं, बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। आपने कुछ किया ऐसा एक्सपीरियंस? मेरी अपनी अपने अपने साथ तो ऐसा था कि मैं मरी गई थी, सर्दियां थी तो वहाँ अक्सर लाइट वाइट का प्रॉब्लम होता है, लाइट नहीं थी। हाँ, तो सो रहे हैं तो सोते हुए बाकायदा मुझे महसूस हुआ कि जैसे अब नींद नहीं आ रही है, लेटी हुई हूँ मैं, लेकिन अब जैसे ऊपर वो ब्लैंकेट डला हुआ था तो बाकायदा ऐसा जैसे किसी ने ऐसे खींचा है, ब्लैंकेट खींचा। हाँ, हाँ। और आप मरी में थी? मरी में थी। हाँ, वहाँ तो हैं भी ऐसी जगहें वहाँ पे आबाद नहीं होती है जगह। हाँ। मैं मुझे लगा जैसे मेरा कोई वहम है, तो मैंने फिर से उठा के ब्लैंकेट खींचा, फिर भाई बाकायदा ऐसा महसूस जैसे किसी ने ब्लैंकेट यूँ खींचा है, और मैं देखती रही कि वो ब्लैंकेट जा कितना कितना नीचे जाता है, वो जाके उसने बाकायदा यहाँ तक छोड़ दिया। और मेरी तो खैर वैसे भी बहुत जान निकलती है इन चीज़ों से, तो यासिर जब बोल रहे थे मेरी वैसी, तो मैंने तो खुद जब मेरी आप बीती हुई है तो मुझे तो मतलब मुझे तो समझ ही ना आया ना कि मैं अब उठूँ भागूँ क्या करूँ। और आप अकेली थी कमरे में? मैं अकेली थी कमरे में। अच्छा, उसके बाद मैं उठने की कोशिश की तो मुझे बाकायदा ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने ना ऐसे हाथ रखा है, बस वो जो हाथ रखा है ना, बस फिर वहीं लेट ही गई मैं। उसके बाद फिर मैंने दुआएं पढ़नी शुरू की, और मुझे जब मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे इतना तेज बुखार था कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ऐसी चीजें अगर आपको टच करके चली जाए ना, या तो आपका पूरा जिस्म टूटता है या फिर आपको तेज बुखार हो जाता है, इस तरह की चीज। और दूसरे दिन अकेले सोई? नहीं नहीं, हम निकल गए थे वहाँ से भाई, हम निकल गए थे वहाँ से। उसके बाद मैं अब मैं हमेशा अवॉइड ही करती हूँ कि भाई मिंटस में तो कम से कम वहाँ ना जाया जाए, ऐसी जगहों पे। जिन्नात का जिक्र तो कुराने पाक में भी है, बिल्कुल, और ये भी कहा जाता है कि जिन्नात इंसानों से कहीं ज्यादा हैं, इतने हैं कि अगर नजर आ जाएं तो आप बच बच के चलेंगे। हाँ, मतलब आई थिंक एक इंसान है तो उसके इर्द गिर्द चार पांच जिन्नात भी हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन क्योंकि वो दिखते नहीं है तो हमें पता नहीं चलता। अब बहुत सारे जिन्नात ऐसे होते हैं जो आपको अपना फील करा देते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं नहीं भी कराते हैं, और कुछ आपको नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे साथ एक वाकया हुआ, फैसल बुखारी साहब का हम लोग सीरियल कर रहे थे, उसकी शूट के लिए हमें पहले गिलगित जाना था, फिर हुंजा से आगे एक जगह है नलतर के नाम से, नलतर। हाँ, अच्छा। और वो बहुत छोटी सी एक जगह है जहाँ पे सिर्फ सफेद सफेद बहुत खूबसूरत से दरख्त हैं। हाँ, बहुत मतलब वाइट वाइट ही है वो सारे इर्द गिर्द, बहुत प्यारी झीलें हैं वहाँ पे। वहाँ पर फैसल साहब ने दो दिन का काम करना था, तो हम लोग गिलगित से निकले, वो जीपों में जैसे छोटे छोटे रोड से हम लोग जाते हैं, हम लोग वहाँ तक पहुँचे, वहाँ रहने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो फैसल साहब ने अपने किसी जानने वाले के थ्रू एक गेस्ट हाउस खुलवाया जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, और बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ था, कंस्ट्रक्शन उसी कंप्लीट नहीं हुई हुई थी। तो इन्होंने कहा कि हमें दो दिन का ही काम है, दो तीन रूम्स चाहिए, एक रूम में लड़कियां हो जाएंगी, एक रूम में लड़के हो जाएंगे, एक रूम में क्रू हो जाएगा, तो आप ये तीन रूम खुलवा दें, बाकी खाना वाना हम लोग खुद करेंगे। लाइट भी नहीं थी वहाँ पे, एक जंगल था,
तो जनरेटर का इंतजाम करवाया कि जनरेटर और बाकी कैंडल लाइट कैंडल्स वगैरह और सब कुछ। अब जिस दिन हम लोग पहुंचे हैं उसी दिन फैसल साहब मुझे एहसन खान को और हनान को, हनान जो लाहौर का एक एक्टर है, हम तीनों को लेकर वो आगे चले गए। सीन्स करने थे हमें को दो चार, वो सीन्स करने के लिए हम लोग वहां पर मेरे ख्याल में शाम तक रुके, बिकॉज उसके बाद वैसे ही जब सर्दी इतनी थी, स्नो फॉलिंग हो रही थी, तो वो हम लोगों ने डे लाइट से पहले पहले अपने सीन्स खत्म किए। और वो सीन कुछ इस तरह के थे कि मुझे अपने सर में मट्टी वट्टी भी डालनी थी और ये, खैर वो काम खत्म हुआ, हम वापस गेस्ट हाउस पहुंचे और जाते ही मैंने कहा पानी का मुझे इंतजाम कर दे, मुझे नहाना है या सर धोना है या जो भी है। पानी का इंतजाम हुआ, मैं बाथरूम में गई हूँ, बाथरूम मैंने अंदर से लॉक की है, और जो बाथरूम के सामने एक विंडो थी स्लाइडिंग यू वाली, मतलब क्या बोलते हैं इसको, स्लाइडिंग तो यू होती है, वो खुलने बंद वाली, वो बंद थी, बकायदा बंद थी। आप हर लड़की नई जगह पे जाके देखती है ना कि विंडोज बंद है कोई, वो मैंने अपनी तसल्ली की। और उसके बाद ना मैंने अपना, मैंने कहा मैं, ठंड इतनी थी कि मेरी स्नो फॉलिंग में आपको पता हवा भी नहीं चल रही, ठंड इतनी थी कि मैंने कहा मैं सिर्फ अपना सर धो लेती हूँ, मैं नहीं नहा रही। तो मैंने बाल अपने यूं किए और मैंने पानी डालना शुरू किया, तो ये पिछला दरवाजा पहले हल्का सा जैसे किसी ने यूं किया, खुलने की, हाँ खुल, मुझे फील हुआ, मैंने इग्नोर मार दिया, मैंने कहा, मैंने कहा नहीं नहीं वो हो सकता है मेरा, फिर शुरू होगी। इतनी देर में सामने वाली विंडो खुली, मैंने यूं करके देखा, मैंने कहा और मैंने अंदर से आवाज लगाई, मैंने कहा कौन है, मुझे लगा कोई देखने की कोशिश नहीं करो, फिर मैंने कहा इतनी सर्दी में स्नो फॉलिंग में कौन बाहर होगा। मैंने फिर भी इग्नोर किया, मैंने सर में पानी मैंने डाला, बाल धोए, मैं बाहर आ गई। बाहर आ गई, फैज साहब ने आवाज़ लगाई कि एक खाना लग गया है। वो एक छोटा सा हॉल था जहाँ पर दो तीन कैंडल्स जल रही थी और इससे डबल कर ले एक टेबल था जिसके ऊपर ना क्रू के लड़के और वो जो स्पॉट बॉयज होते हैं वो खाना वाना पूरे देगचे ही गर्म करके मिट्टी के तेल के चूल्हे पे उसके ऊपर उन्होंने रखे बड़े बड़े देगचे और साइडों में प्लेट्स लगाई। हम लोग साइडों पर खड़े हुए एक दूसरे से बातें कर रहे, पूरी टेबल उलट के, एक होता है गिरना, उलट गई खाने के ऊपर टेबल, और हम लोग यूं देख रहे हैं कि ये क्या हुआ है, किसने किया है, सबकी बत्ती गुल, बर्बादी हो गई। और मैं तो एक बात बताऊं मैं आपको, सब जानते हैं मैं अकेली रही हूं 12-13 साल यहाँ कराची में, मैं डरती नहीं हूं, मतलब चोर डाकुओं से इन चीजों से डर नहीं लगता, लेकिन लेकिन इन चीजों से लगता है, ठीक है। मेरी तो हालत, मैंने तो रोना शुरू कर दिया, मैंने कहा मैं तो अभी जाऊंगी, मैं तो नहीं रुकूंगी यहाँ पे, मुझे यहाँ से निकालें, मुझे घर भेजें और ये वो। अच्छा जी, इतनी देर में बहला फुसला के किसी तरह फैज साहब ने कहा कि अच्छा हम लोग सुबह निकल जाएंगे। यहाँ वहाँ की बातें हुई, पढ़ाइयाँ शुरू की, तो इतनी देर में ना कोई एक घंटे के बाद लड़कियाँ अपने कमरे में हो गई, लड़के अपने कमरे में हो गए, लाइटें अपने मोबाइल की भी ऑन की हुई, कैंडल्स भी ऑन है, तो लड़कों की कमरे में से हनान की चीख की आवाज़ आई, अकेला नहीं था हनान। हम भाग के गए और मैंने हनान को पूछा क्या हुआ है, फैसल साहब भी पीछे आए, कहते हैं ये एहसन ने बताया, एहसन, एहसन खान ने बोला कि नताशा यूं एक शोला पहले हमारे सामने घूम रहा था छोटा सा, घूमते 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 वो हनान के यहाँ पे आया, और जितनी देर में उसने उसको झटका तो इतना हिस्सा हनान का जल चुका था, जीन्स समेत, जीन्स समेत। एहसन को याद होगी ये चीज, एहसन को सारी बातें याद होंगी, क्यों नहीं होंगी, उसको लाइव कॉल पे ले ना जरा पूछे उससे। ओह माय गॉड, आप सोचे कि मेरी तो कोई हालत ऐसी हुई भी थी कि उस वक्त जब फैसल साहब ने ये देखा कि अब सब भी डर गए और वाकई ऐसे हालात हो गए, तो उन्होंने खड़े होकर एक ऐलान किया, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम लोग यहाँ पे काम की नीयत से आए हैं, हम आपको तंग करने के लिए नहीं आए, बिल्कुल हम लोगों ने दो दिन रहना था लेकिन हमें सुबह तक की इजाजत दे दें, हम जैसे ही दिन चढ़ेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी वो चीजें, सुकून नहीं हमें आया, बस कोई सेरा होता है, ऐसी कुछ आवाजें आ रही थी कि हम लोग ना ये सोच रहे थे कि ये किसी जानवर की आवाज है, किसी इंसान की आवाज है, क्या आवाज है ये। मैं तो सुबह तक रोती रही, एक सेकंड के लिए कोई नहीं सोया। सुबह हुई हुई अशरफ राही साहब एक एक्टर है लाहौर के, जिन्होंने स्टेज भी किया हुआ है, कुछ कॉमेडी प्लेस भी किए हैं, बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे। उन्होंने एक बात की थी, अब मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी चीजें हुई थी तो उस पर यकीन करना बनता था कि जब हम सुबह निकल रहे थे तो एक लड़की थी, किरण नाम था उसका, वो एक दो सीरियल्स में है, अब नहीं आती, शादी हो गई थी उसकी उसी वक्त ही ना, उसके वो जब हम निकल रहे थे तो उसके पीछे उन्होंने देखा कि एक सिर्फ सर था उसके पीछे, उसके पीछे वो उनको देख रही थी, बात कर रही थी, और अशरफ राय साहब कहते कि मैं, मेरा ध्यान उसके पीछे था कि मैं बोल नहीं पा रहा था कि तुम्हारे पीछे मैं क्या देख रहा हूँ। और कुछ सेकेंड्स के बाद वो चीज़ गायब हुई और मतलब ये चीज़ें
मतलब मेरे सामने वो जो ये जो दो चीजें ना कि टेबल एक तो यूं उलटती है ना और चीजें ये गिर गई, खाना नीचे और ऊपर टेबल है, किसी ने यूं ही कर दिया बिल्कुल। ये तो अब पहाड़ों की तुम बात कर रही हो, ये तो रहती ही पहाड़ों पर थी। तो बिल्कुल एक छोटे से वक्फे के बाद मैं आपकी तरफ आऊंगी और वो वाली चीज है कि पहाड़ कहाँ कहाँ कहते हैं कि मतलब लाइक इस तरह होते हैं, एक तो मिठाई वालों की दुकान पे, पहाड़ों पर, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं भी सड़कों पे भी हो सकता है। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम दोबारा वापस आएंगे, डॉक्टर बिल्कीस से पूछेंगे कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी क्या एक्सपीरियंसेस बेयर किए हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हम सब बैठ के यहाँ पे ऐसी बातें कर रहे हैं जो सब खानदान वाले बैठ के कर रहे होते हैं आपस में, दोस्त अहबाब, एक ऐसी डिस्कशन बातें करते करते शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है तो फिर वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती तब तक के बहुत ज़्यादा कोई डरने ना लगे। अभी पहाड़ी इलाके की बात हो रही थी और मैं डॉक्टर बिल्कीस से सवाल करने वाली क्योंकि उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी पहाड़ी इलाके में गुजरी। लेकिन आपको नहीं पता कि कौन कौन से खित्ते ऐसे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जिनके हवाले से बहुत सारे किस्से कहानियाँ, और फिर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती हैं वो किस्से थोड़े से और मोल्ड होकर कुछ कुछ के कुछ निकल आते हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सारे हकीकत बयान की जा सकती है या करते हैं। डॉक्टर बिल्कीस से आप क्या बताना चाह रही हैं? मैं अपने बचपन का एक किस्सा सुनाना चाह रही हूँ। जैसे मैं 12-13 साल की थी तो हमारा, जैसे आप कह रही हैं पहाड़ पे, तो नानी का घर थोड़ा नीचे था, अम्मी का ऊपर, ऐसा था कि तकरीबन 15 मिनट के फासले पे था। तो अम्मी ने मुझे रात को कहा कि भाई, जो हमारी हेल्पिंग हैंड थी वो थी नहीं, तो अम्मी ने कहा कि तुम बर्तन धो, तो मैं कहा मैं तो नहीं धो रही। तो अम्मी की और मेरी 10 साल हो गई, मैं आराम से, हमारे घर के दो दरवाजे थे, मैं आराम से दूसरे, तो मैंने कहा मैं नहीं धो रही, मैं जा रही हूँ नानी के घर, और मैं दूसरे दरवाजे से निकल गई। निकल तो मैं गई, दो मिनट के बाद इतने बड़े बड़े दरख्त, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, छुट्टियों में जाती थी सारे, क्योंकि वहाँ ना स्ट्रीट लाइट ना कुछ, वो सब मुझे लगे जैसे मुझ पर झुक रहे हैं दरख्त, सारे सारे साए सब कुछ, और मैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए और ऐसे लगा ज़मीन ने मुझे, मेरे पाँव को अपने अंदर जकड़ लिया है, मैं पाँव उठा नहीं पा रही थी। तो अब इस सिचुएशन में मैं थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो इतने में ना मुझे मेरी अम्मी की जो मेरी अम्मी PIA में थी, तो उनके साथ एक लेडी गार्ड होती थी हमेशा, वो जाती थी, तो वो आई, वो कह रही बिल्कीस क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं कहा नानी के घर जा रही थी ना, मैं डर गई हूँ और मैं जा नहीं पा रही। वो मुझे लेकर नानी के घर तक गई, रास्ते में मुझसे बातें करती रही, तुम हॉस्टल में क्या करती हो, क्या पूरे हम इससे कहानियाँ करते हुए 10-15 मिनट का जो रास्ता है हमने आराम से तय किया, क्योंकि अंधेरा था तो हम और स्लो स्लो तय कर रहे थे। वो मेरे साथ थी, फिर उन्होंने कहा दरवाज़ा बजाओ, मैंने नानी के घर का दरवाज़ा बजाया, नानी ने कहा जिन्नी कहाँ से आ गई तुम इतनी रात को, मैं कहा अम्मा बर्तन धोने का कह रही थी तो मैं निकल आई, कह रही अच्छा आ जाओ। फिर मेरे मामू को कहा जाके बताओ उनको कि ये यहाँ पहुँच गई है, फिर मामू ने भी कहा ये क्या मुसीबत है कि ना खुद आ जाते हैं बताने हमें जाना पड़ता है, खैर वो गए बताने के लिए, वो चले गए। अच्छा फिर अम्मी सुबह आई नानी के घर पे, जाहिर सी बात है वो भी बेचैन होंगी, सुबह आई ड्यूटी पे जाने से पहले होता ही था कि जब जहाज़ उड़ता था तो अम्मी को लेने के लिए आते थे, वरना अक्सर कैंसिल हो जाता था। तो अम्मी ने कहा कि ना ये कब आई थी, तो मैंने कहा रात को, तो फिर कहा किसके साथ आई थी, पहुंची कैसे, तो कहा कि ये कह रही कि गार्ड ने इसको, जो तुम्हारे साथ लेडी गार्ड होती है उसने छोड़ा था, तो उसने कहा हाय बाजी रात को मैं कैसे आऊँगी। अब मुझे नहीं पता मेरे साथ, मतलब कि गार्ड ने कहा मैं नहीं आई थी, नहीं वो नहीं थी, क्या मतलब वो नहीं थी, पता नहीं कौन था जो उसके रूप में मुझे नानी के घर छोड़ के गया। तो गार्ड ने आपकी अम्मी के सामने बोला कि मैं नहीं थी, कह रही मैं कैसे आऊंगी, मैं इतनी रात को, मेरा क्या काम है आपके घर के बाहर। और मैं पूरे 15 मिनट उससे बातें करती रही हूँ, वो मुझे बहुत प्यार से धीमे से बातें करते हुए यहाँ तक वो खड़ी रही है कि दरवाजा बजाओ, मैंने और वो अंदर नहीं गई, नहीं वो दरवाजा, पहाड़ पे ऐसा था कि मेरी नानी का घर ऊपर था, यहाँ थोड़ा सा थोड़ी सी नदी जैसी बहती थी जी, और वो उधर खड़ी थी, मुझे उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मैं अपने घर चली जाऊंगी, तुम यहाँ से, मैंने थोड़ी सी जैसे होते ना पानी बहता जी जी जी, वहाँ से क्रॉस करके गई, दरवाजा बजाया, फिर मैंने कहा हाँ नानी ने खोल लिया। नानी भी हैरत में कि तुम कहाँ से इतनी रात को आ गई, तो टाइम तो नहीं देखा था, रात के 2 बजे 3 बजे जो भी वाला आलम टाइम था, या 12 बजे,
लेकिन मैं पूरा 15 मिनट ऐसे किसी से बातें करती रही जो पता नहीं इंसान। फिर मेरी अम्मी ने कहा वो शायद हमजाद होगा जिसने बिल्किस को पहुंचा दिया। हमजाद से मतलब? मतलब हमारे वहाँ कहते हैं कि कोई हमजाद है आपका, कोई जिन जिनात में से होता है जो आपके खैर ख्वाह होता है, जो आपको है ना ऐसे मुश्किल में आपके काम आ सकता है। और आप यकीन करें उसके बाद मुझे बहुत इंट्यूशंस होती हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, खासकर मेरे ख़ानदान में अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई किसी का नुकसान हो रहा होता है, मुझे एक दो दिन पहले ख्वाब आ जाता है और मुझे बहुत सारी मेरी पूरी ज़िंदगी उसके बाद बदल गई। उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें इंट्यूशंस में, चीज़ों में मेरा फ्यूचर मुझे नज़र आ जाता है और मुझे अंदर से कोई कहता है ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारे लिए गलत है। और उसके बाद मतलब कि मेरी अम्मी ने भी मुझे बोला कि ये बातें सबको बताओ नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें मैंने अम्मी से शेयर की, लेकिन वो 15 मिनट में किसके साथ रही और वो बातें मुझे याद नहीं कि मैंने उनसे क्या क्या बातें की। वो मुझसे करती रही होंगी, मैं भी उनसे करती रही होंगी। और पहुँचाया उन्होंने मुझे सेफली घर। मेरी बहन ने सुनाया किस्से में तुफाक से आरसे कॉल आई उसकी, मैं इस टॉपिक पे शो कर रहा है, बोला मेरे साथ भी हुआ था उस पुराने घर में जहाँ रहती थी वो, तो बोला मैं जिस बिल्डिंग में रहती थी तो उसके बिल्कुल अपोजिट एक जो फ्लैट थे वो कॉरिडोर बीच में जो पैसेज होता है, बोला आप मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी मैं खिड़की पाई तो बोला हसीन प्यारी लड़की दुपट्टा पहन के सामने खड़ी हुई है। बोला मैं उसको देखा, मैं जानती नहीं थी बिल्डिंग की कौन, मैं नहीं जानती बिल्डिंग की है कोई, मैं शायद कोई गेस्ट वेस्ट आई होगी सामने वाले घर में, मैंने उसको वेव किया और उसने मुझे देख के कोई स्माइल पास नहीं की, कोई कुछ भी नहीं, सीधा खड़ी हुई। मैंने पता नहीं क्या है, मैं उसको हेलो बैक कर रही हूँ, रात के 3-4 बजे रहते थे। अच्छा। बोला मैं नमाज पढ़ के सो, मुझे ख्याल है रात 3 बजे कौन होगा इसके यहाँ पर, कोई इतनी प्यारी लड़की और वाइट कपड़े पहने हुए दुपट्टा पहना हुआ है। बोला मैं स्पेशली पूछा जाके उनसे, मैं कोई गेस्ट आया मैं आपके, बोला नहीं कोई गेस्ट नहीं आया। बोला मैं रात यहाँ ही आपकी खिड़की पर ये देखा है मैंने, बोला नहीं वहाँ तो कोई भी नहीं आया। बोला मैंने अपनी आँख, बोला मेरी हाथ हालत ख़राब हो गई, हाथ में कांपना शुरू हो गया, ये किसको बनाया हाथ लाया, तो ये होते हैं बाद। अच्छा रात 3-4 बजे करीब ही इसी वक्त पे होते हैं। अच्छा मेरे ना मामू का घर है पिंडी में, वो सिखों के जमाने का बना हुआ घर है, मतलब जिस घर में कुएं भी हुआ करते थे वो कुआं आज भी मौजूद है वहाँ पे। अच्छा। तो हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो समर वेकेशन में चले जाया करते थे मामू के घर पे रहने के लिए। अब मतलब मामू के बच्चे, हम सारे बड़ा खुश हुआ करते थे, सारे बच्चे, बहुत बड़ा सहन था उनके घर का और उनके घर का नक्शा बना हुआ था, वो जो सिखों के हिंदुओं के जमानों के जमाने के घर सामने सामने आमने सामने आमने सामने रूम हुआ करते थे, लकड़ी के दरवाजे और इस तरह ना। हम गर्मियाँ हुआ करती थी तो हम लोग, उनकी आदत थी गर्मियों में पंखे लगा के ना सहन में सोया करते थे हम लोग। अच्छा। और हमें बचपन से ही पता था कि इस घर में ना कोई हिंदू रूह है, जिसको पता नहीं बामन समथिंग कुछ इस तरह भी बोला जाता था। तो हम लोग बच्चे तो हम लोग डरते बढ़ते नहीं थे, हम कहते थे पता नहीं है क्या बोल रहे हैं ये लोग। अब माँ बाप हमारे मना करते थे कि भाई यहाँ नहीं जाना, ऊपर छत पे नहीं जाना शाम के बाद और ये और वो इस तरह की चीज़ें, हम लोग नहीं करते थे, कर भी दिया करते थे कभी कभी, उसके बाद डर के वापस भी आ जाते थे। तो उस वहाँ पर पता क्या होता था हमारे होते हुए, उससे पहले के भी बहुत सारे किस्से हैं जो हमने अपने बड़ों से सुने हुए उस घर के, वहाँ पे ये होता था कि हम जब सुबह उठते थे ना, ये फजर के टाइम पे अगर किसी की आँख खुली है तो किसी की चारपाई यूं होती थी, मतलब हिलाई नहीं होती थी, मतलब किसी की यूं होती थी, कोई बच्चा बिल्कुल यूं हुआ हुए, अजीब कोई हालात हुए होते थे। और लेकिन मेरे मामू और मेरे मामू मामी बिल्कुल रिलैक्स होते थे कि ये रोज का काम है। तो उसी घर में जब मेरी अम्मी भी रहा करती थी, मेरी नानी नाना भी उस घर में रहा करते थे, तो मेरी खाला पे भी असरात हुए हुए हैं। मेरी अम्मी, मेरी नानी मुझे किस्सा सुनाती थी कि मेरी अम्मी छोटी सी थी 1.5 साल की, तो वहाँ पे कोई मसला शुरू से ही था तो वो सबको पता था कि है। तो मेरी नानी कहती है मैंने गोद में लिटाया हुआ था तुम्हारी माँ को और मैं अपनी ना पता नहीं तस्बीह कर रही थी कि क्या कर रही थी, तो तुम्हारी माँ एकदम से मेरी गोद में उछली और ऐसा कहकर जैसे बड़ी औरतें कहकर लगाती हैं। हाँ। मेरी नानी कहती मैं डरी, मैंने वहीं छोड़ा इसको और मैं तो भागी अपनी बच्ची को छोड़ के, पास और इसको छोड़ के 1.5 साल की बच्ची कि ये इसको क्या हुआ और ये वो। तो फिर मेरे नाना ने कुछ पढ़ के पानी दिया और अम्मी वहीं उस चारपाई पे ही थी, तो अम्मी को मेरी नानी को बोला कि तुम जाके दोबारा उसको गोद में बिठाओ और चारों तरफ हिसार किया उसका, और फिर अम्मी जाके 2-4 दिन के बुखार के बाद जैसे आप बोल रही थी फिर अम्मी नॉर्मल हुई।
आपको क्या हुआ था जब वो सांबात का रेस्ट था, वो जो सांप आ गया था, याद नहीं है आपको? वो तो खैर सांप आया था, भूत तो नहीं कहूँगा, ऐसा आया तो नहीं था। हाँ। वो मैं कोई रात को निकल के वॉक करने ठहरा हुआ था रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में, खैर सांप वॉक वॉक करके मैं आया तो शूज उतारे मैंने, टीवी लाइट घर की कमरे की लाइट ऑन नहीं की, टीवी की लाइट लाइट चल रही थी, जल रही थी, इतने मुझे काम था बाथरूम शायद बाथरूम जाना। हाँ तो मैं बाथरूम में गया हूँ, नंगे पाँव चला गया, चप्पल वहीं रखी हुई थी, वहाँ चप्पल पहनी मैंने। अच्छा वो चप्पल उतार के मैं वापस आया हूँ तो मेरे शूज पे मेरा पाँव टकराया, तो मुझे एक आवाज़ आई, तो मैं किसकी कैसी कैसी आवाज़ थी, मैं लाइट खोली तो इतना प्रॉपर वाला सांप मेरे दोनों शूज के पीछे बैठा हुआ ना, रोल बन गया मैं, और मैं जो चीखा यार ये सांप बैठ बिल्कुल पलंग के साथ जॉगर शूज के बीच, दोनों शूज के बीच में सांप की अल्लाह, सांप की तो दहशत ही बड़ी है, ये कहने वाली थी। शुक्र है कि मेरा पांव टकराया शूज पे, अगर मैं डायरेक्ट उसके ऊपर रख देता वो तो डायरेक्ट दस्त मार देता। मैंने तो किस्सा सुना रही थी, मेरे वालिद साहब की कजन पंजाब साइड पे वो रहती थी, 17-18 साल की थी, तो बच्चे खेल रहे थे, क्रिकेट विकेट खेल रही थी वो भी, तो वहाँ पे छोटी छोटी दीवारें होती हैं। हाँ। तो क्रिकेट खेलते हुए उनकी बॉल कहीं दीवार के उस पार गई, तो उन्होंने क्या किया, बॉल लेने के लिए दीवार से छलांग लगाई। अच्छा। उन्होंने जब छलांग लगाई तो वल्ला आलम वहाँ पे क्या चीज़ थी उनको तो नहीं पता चला, उन्होंने बॉल उठाई और वापस आई हैं तो आके बेहोश हो गई, बॉल उठा के दीवार फैलांग के बेहोश हो गई। तो वो जहाँ पे गिरी थी वहाँ पे जन्नात का कोई बच्चा था, उस पे उनका पैर पड़ा और वो इंतकाल कर गया बच्चा। वो जन्नात जो थे जो मेरी मेरे वालिद की जो कज़न है उन पे काबिज हो गए, मतलब उन्होंने काबू कर लिया उनको, वो जो बेहोश हुई थी, जो बेहोश हुई थी उनको अब तरह तरह की चीज़ें होना, अजियतें, अल्लाह माफ़ करे, उनके मुँह पर बाल आने शुरू हो गए और वो जब कमरे में होती थी ना तो बाकायदा जैसे बिल्लियों की लड़ने की आवाज़ें आती थी, कमरे में कोई नहीं होता था, सिर्फ वो अकेली होती थी तो गंदी गंदी बिल्लियों की आवाज़ें, अजीब मुख्तलिफ आवाज़, सिर्फ उनको टॉर्चर देने के लिए। अब अल्लाह जाने वो खुद थी बहर, उनकी उनकी हालत आहिस्ते आहिस्ते वक्त के साथ साथ बिगड़ती चली गई। तो जब किसी बुज़ुर्ग वगैरह को बुलवाया कि भाई पता करें कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो वो जो जिन्नात उन पे थे उन्होंने ख़ुद ये बात बताई कि भाई इस औरत ने हमारे बच्चे पे पाँव मारा है और वो बच्चा मर गया, हमारा बच्चा मर गया, अब हम इस औरत को नहीं छोड़ेंगे। तो वो उन्होंने अल्लाह माफ़ कर दे उस उन खातून का वो हाल किया कि उनको शादी नहीं करने दी, और उनकी यानी कि मेरे वालिद ने ख़ुद अपनी आंखों से देखा था, वो बताते थे कि जब हम उनके कमरे में जाते थे तो यहाँ लेटी हुई थी तो इतना फुटना उछालते थे वो बाकायदा, जैसे एक हॉरर मूवीज़ में होता है बाकायदा, वो कहते हैं हमने देखा है, और उनके पूरे मुंह पे बाल आ गए, चेहरा उनका बिगड़ गया, और ये इसी तरह की गंदे जानवरों की आवाज़ें आती थी, या पता नहीं वो खुद उनकी आवाज़ या वो बात करती थी उनकी आवाज़ भी तब्दील हो गई थी। तो उनके साथ तो कोई रहता ही नहीं होगा इस डर के बारे में। नहीं, जो रहने वाले हैं वो रहे हैं, लेकिन अब उनकी जब वो बूढ़ी हुई हैं तो अब बुढ़ापे में उन्होंने उनका अब उनको छोड़ दिया है, अब पीछा छोड़, अब जब एज ही उनकी खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी उनको अजियत दी है और वो सारी जिंदगी टॉर्चर हुई है, अब तो वो बेचारी बूढ़ी हो गई, अब जाहिर है बूढ़ी हो गई तो उन्होंने भी छोड़ दिया, उन्होंने कहा अब तो फिर फायदा ही नहीं है ना, लेकिन उन्होंने अपना एक जो रिवेंज था वो तो उन्होंने निकाला ना, जो गलती से हुआ था ना जो हुआ था, लेकिन उनकी नजर में तो गलती नहीं, नजर में हमारा बच्चा मार दिया ना, तो गलती जाहिर है, अब हम कहाँ स्टेप करते हैं या हम क्या करते हैं हमें तो नहीं पता लगता, लेकिन वो तो कूदी है वहाँ, पता नहीं उनका बच्चा था वो मर गया, लेकिन उन्होंने तो उनसे पूरा बदला लिया, लेकिन उनका वो जो हाल हुआ है मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैं उम्रे पे गई थी अपनी वालदा को लेके, निदा मैं पहली दफ़ा उम्रा कर रही थी यासिर, तो मैं घबरा रही थी कि भाई मुझे तो पता ही नहीं उम्रा किस तरह करते हैं क्या है, तो मैंने अपने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह मियाँ मुझे आसानियाँ करना, मुझे पता नहीं है। तो हम जब मक्का की तरफ आ रहे थे तो मैं मेरी नीयत ये थी कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मैं मक्का को नज़दीक से जाके देखूं, मतलब दूर से ना देखूं। तो मैंने अल्लाह पाक से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह आसानियाँ करना हो, कोई गलती मुझसे ना हो, भाई मुझे नहीं पता, मैं बस ऐसे मैं और अम्मी ऐसे नीचे करके आगे बढ़ ही रहे थे तो दो औरतें छोटे से कद की, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ना, हाथ पकड़ा और कहने की पहली बार आई हो
मैंने कहा जी, तो मुझे कहने की कि मक्का देखना है, मैंने कहा जी, मैंने कहा मुझे नज़दीक ले जाएं ताकि मैं नज़दीक से देखूं, कह लेंगे चलो नीचे नज़रें करो, काबा देखना है, तो उन्होंने कहा नीचे नज़रें करो, तो मैं और वालदा, मैंने उनका हाथ पकड़ा, दो खातून थी, उन्होंने दोनों ने हाथ पकड़ के हमारे काबा तक ले गए, बस मैं नीचे मैंने देखा, उनका ऊपर देख लो, ऊपर देखा तो काबा था, फिर बहरहाल वो जो कैफियत थी जो भी था उन्होंने बहरहाल प्रॉपर उन्होंने मुझे उमरा कराया निदा, फिर वहाँ से हमने नफिल पढ़ी है, फिर वहाँ से हम आगे गए, उसके बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो गायब थी। अच्छा बाजू का मुझे ना बड़ा, मुझे किसी ने कहा भी था कि हजी असद पे आप बोसा दे के दो भी दुआ मांगे ना तो कबूल होती है, सारी दुआएं कबूल होती हैं, वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ा काम है। तो मैं अच्छा मैं जाऊँगा तो हजी असद पे बोसा दूंगा और दुआ मांगूंगा, अब हमें पहुँच ही ना पाऊँ, रश धक्कम पे कोनियाँ मारी जा रही हैं, करीब पहुँच जाऊँ धक्के पे पिछड़ जाऊँ मैं, तो मुझे एक फैन मिल गया वहाँ पर तो सफाई सफाई कर दूँगा, मगर मुझे बोसा देना है जैसा होता, तो मैं किस तरह दूँ, मुझे मैं जब जाता हूँ पहुँच ही नहीं पाता हूँ मैं, और इतना बुला नहीं आप इस तरह नहीं दे पाएंगे, एक काम करें आप सुबह 8 बजे आएँ, उस वक्त रश कम होता है, सही हाँ। तो मैं आपको ले जाऊँगा, आपको 8 बजे रश कम होता है, मैं किस तरह ले जाऊँगा आपको, ठीक है। अच्छा दूसरे दिन मेरी आँख खुली, फजर वहाँ पढ़ के आप वापस आते हैं, बिल्कुल उस ऐसी नींद आ रही होती है, तो मेरी आँख खुली 8:30-9 बजे, मैं भागा भाग गया 8:30 बजे की आँख, तो बंदा मेरा इंतजार करके चला गया, मोबाइल नहीं था उसको मेरे पास, सही, वो बंदा शायद इंतजार किया होगा, नहीं मैं लेट पहुंचा। अब मैं दूसरे दिन मैंने नियत की अल्लाह से, मुझे बोसा देना, मैं बड़ी चाह से आया हूँ, मुझे दुआएं मांगनी है वहाँ पे जाके, तो मुझे किस तरह सुबह उठा देना 8 बजे, मैं फजर पढ़ के आया 7:45 बजे मेरी आँख खुली, मेरी आँख खुली, बहुत वजू किया मैंने, अब मैं करीब था होटल खाने का बस पहुँचा, तो उस वक्त सफाई चल रही थी, अब वहाँ जो सफाई होती है वो रस्सी बांधी होती चारों तरफ, हजे असद पे उन्होंने चारों तरफ से घेरा हुआ था और रस्सियाँ बांधी हुई थी और बीच में सफाई चल रही थी, तो मैं बिल्कुल खाने काबा के साथ एक मैं ये बंदा खड़ा हुआ, मैं उसके साथ खड़ा हो गया, और एक बंदे ने हाथ यहाँ रखा हुआ है, एक बंदा इसके पीछे खड़ा हुआ, उसके साथ मैं खड़ा हुआ, तो मैं खा को पाकिस्तानी था कोई मौलाना टाइप का बड़ी एज का, तो मैंने उसको कहा नहीं बोला इधर से, मैं मुझे भूसा देना है जसद पर, उसने देखा मुझे घूम कर अजीब बात कर रहा है, यहाँ पर तो आए लोग इसलिए, कोई जवाब नहीं दिया उसने, मैं भाई मुझे भूसा देना है जसद, उसने मुझे रिप्लाइन 1-1.5 मिनट हुआ कहता है अच्छा खड़े रहो मैं कुछ करता हूँ, अब ना मुझे देखा उसने मुझे ना मैं उसको जानता, मुझे लगता था कोई अल्लाह की तरफ से कोई था बंदा, नेक बंदा था कोई अल्लाह का, जो लेफ्ट बंदा खड़ा था खाने काबा के साथ पता नहीं क्या हुआ वो चला गया, उसकी जगह मैं आ गया, अब उसके हाथ के पीछे मैं खड़ा हुआ, अब ना मुझे मुझे देख नहीं रहा वो सीधा खड़ा हुआ है, तो थोड़ी देर बाद कहता है कि मैं कोई 1-1.5 मिनट पहले हटा दूंगा हाथ, तुम रेडी रहना, मैं ठीक है, अब वो कोई फैन नहीं था मेरा कोई, मैं ठीक है, मैं खड़ा रहा, कहता मैं हाथ हटाने लगाऊँ और संभल के भागना क्योंकि फर्श कहीं कहीं गीला भी हो सकता है, और जब पीछे बाकी लोग आएंगे तो स्लिप होगा तो कुचले जाओगे, तो संभल के भागना, मैं हाँ ठीक है ठीक है, फिर उसने कहा कि चलो 1-2-3 जाओ, अब मैं भागता हुआ जाऊँ पीछे, देखो मैं अकेला ही भागता हुआ जा रहा हूँ, कोई भी नहीं था उसने उसने इतनी जल्दी खोल दिया था, मैं अकेला भागता हुआ जा रहा हूँ वहाँ पर, जाते ही मैंने बोसा दिया आगे, मैंने दुआएं मांगी अल्लाह से, उसके बाद लोग आ गए। अच्छा मुझे लगा उस वक्त शायद मैं अंदर जब दुआ मांग रहा हूँ कुदरत की तरफ से होता है ना, मुझे मुझे लगा दुआ मांगो लोग मेरे खींचेंगे, हाँ, पीछे से रश लग जाएगा, लेकिन रश तो लगा था लेकिन मेरे मुझे कॉलर पकड़ कोई खींच नहीं रहा था, या मुझे मुझे दुआ मांगे टाइम, लेकिन मेरे अंदर एहसास हुआ यार औरों को मौका दो, औरों को दुआ का मौका दो, मैं जितनी दुआएं मांग सकता हूँ पूरा टाइम मिला, मैं मुझे अकेला भागता हुआ जा रहा हूँ, मैं अकेला भागता हुआ जा रहा हूँ। अच्छा वक्फे का टाइम हो गया, लेकिन वक्फे के बाद जब मैं आऊंगी ना तो मैं बाकायदा एक किस्सा है जो मुझे सुनाना है आप लोगों को, और एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और ये मेरी दोस्त है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उन्होंने मुझे सुनाया था अपने हवाले से, तो एक छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा आपके सामने हाजिर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं आपसे वो जो किस्सा शेयर करने वाली थी वो सुनाऊं, मैंने बताया कि इंटरनेशनली भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मशहूर होती हैं, और मनीला का एक किस्सा है कि जो खातून अव्वल हैं उन्होंने मनीला को क्योंकि टूरिज्म के लिए फ़रोग देना था और उसको लाइक उसको एक बहुत अच्छी जगह डेवलप करनी थी कि टूरिस्ट आए यहाँ, तो उन्होंने एक फ़िल्म सिटी डेवलप की, और उनका ये मैं 2 दिन में 1 दिन में ही मैंने इसको बनवाना है, 4,000 मजदूर लगाए उस फिल्म सिटी को बनाने के लिए, लेकिन वो उसकी इनॉग्रेशन से पहले ही क्या हुआ वहाँ और क्या किस्सा मशहूर है उस हवाले से। मेरी दोस्त हैं जो दुबई में रहती थी, वो अक्सर हमें कपड़े वगैरह शो के लिए भेजा करती थी, अबाया, अलग अलग वेडिंग वीक के कपड़े, तो उससे उनसे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब दुबई वगैरह भी हम गए तो उनकी बुटीक पे हम गए थे,
कहते हैं यूएई वाले कि एक सर्टन एरिया है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, वहाँ बहुत इस तरह की बातें सुनने में आती हैं। उनका बुटीक अच्छा बुटीक था और वो उसी रोड पे उन्होंने रेंट पे लिया। कहने लगे जब बुटीक हमने लिया तो वहाँ पे एक दरख्त था, अच्छा खैर चले हमने ले लिया, हमें सस्ते में मिल गया। बुटीक रेंट पे लेने के बाद हमें ये भी किस्सा मिला है तुमने कहाँ हाथ डाल लिया, ये तो बड़े खतरनाक जगह है। लेकिन कहती मैं हर वक्त नमाज वगैरह कुरान पढ़ती रहती थी वहीं पे। अब कहते हैं कि मैनिक्विंस होती ना, तो जो बुटीक के जो ग्लास का उन्होंने शोकेस बनाया हुआ था वहाँ, कहती मैं ब्राइडल जोड़े ये वो मेरी टीम सारे कपड़े पहना के जाए, जब हम दूसरे दिन वापस आए तो वो बरहाना मैनिक्विंस के कपड़े उतरे हुए। कहती है रोज ऐसा हो, हम परेशान, हम करें क्या, बुटीक पे कोई आए ही नहीं, मतलब ऐसा लग रहा जैसे चलेगा नहीं, बहुत अजीब वहम। कहती मैं इतना पढ़ती वहाँ, इतना मुस्तकिल सारे दिन बैठ के नमाज पढ़ती रहती कुरान। एक दिन मैं नमाज ही पढ़ रही थी कि मुझे धड़ करके आवाज़ आई, तो मैनिकिन बिल्कुल ही गलत हालत में एक दूसरे के ऊपर खुद ही ऐसे ही गिर गई। मैं बहुत परेशान हुई, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया, मैंने कराची फ़ोन किया, मौलाना साहब को फ़ोन किया, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिठाई के डब्बे मंगाना शुरू किए और मिठाई के डब्बे के इर्द गिर्द पूरी टेप लगी होती थी। कहती है वो मैं रख के, ये मैंने कहीं तो रोज़ ही इनके कपड़े उतरे होते ना, ये तो हमें इस तरह तंग कर रहे थे। जब मैंने डब्बे रखना शुरू किए तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरी दोस्ती हो गई उनसे, डब्बे खाली मिठाई के, रोज डब्बे रखे, वो टेप भी बंद है, मिठाई गायब अंदर से। और फिर कहती है इस तरह करते करते फिर हमें तंग करना छोड़ दिया और फिर मेरी बुटीक भी इतनी अच्छी चल गई, माशाल्लाह लोग आने जाने लगे और बहुत मतलब नाम हो गया। कहते हैं मैंने सुना है ऐसा, और ये शायद सेकंड करेंगे, मक्का स्वीट्स से मोहम्मद असलम साहब हमारे पास मौजूद हैं। मैंने बहुत सारी दुकानों का सुना है कि मिठाइयों की दुकान पे रात को जिन्नात इंसान का रूप धार के मिठाई लेने आते हैं या खाने आते हैं, पता नहीं है, सुना है हमने। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है असलम साहब? हाँ, ये बात हकीकत है। अभी तकरीबन मेरे बराबर में दुकान ने दूध की भी जी के साथ मेरी मिठाई की दुकान है मक्का से, तकरीबन रात 11:30 बजे, ये 4 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। दो कस्टमर आए। अच्छा। उन्होंने कहा मुझे 8 किलो मिठाई दे दीजिए। अच्छा। तो हमने 2-2 किलो के 4 डब्बे बनाए। उस वक्त तक हमें कुछ अंदाजा नहीं हुआ, हम तो ऐसे कस्टमर उनको डील कर रहे थे, हमने साथ कस्टमर ही हैं, मिठाई ली, पेमेंट कर दी उन्होंने। उसके बाद वो सामने जो दूध वाले का तख्त पकड़ा था जी, वहाँ बैठ गए वो। अच्छा। तो हम दूसरे मसरूफ हो गए कस्टमरों में। तकरीबन हम जब 15 मिनट के बाद देख रहे हैं तो उसमें से 3 डब्बे खाली हो चुके थे, 2-2 किलो के, और दो लोग थे, दो लोग खा गए। जब कुछ चौथा डब्बा खाने लगे तो मुझे थोड़ा सा वो फील हुआ कि इंसान 8 किलो मिठाई नहीं खा सकते, जाहिर है। तो जब वो खाने के बाद चले गए तो मुझे ज़रा सी जस्तुजी हुई कि देखूँ ये क्या है। तो मैं दुकान से बाहर निकला, देखा तो खाने के बाद वो सीधे जा रहे थे। कुछ देर तक मेरी नज़रें वहाँ तक चली हैं, उसके बाद वो गायब हो गए। क्योंकि देखिए जिन का तो आपने सुना, जिन में भी आपने, इससे तो कोई मुनकर नहीं हो सकता जी सर, इसका जिक्र अल्लाह पाक नहीं फरमाया। अच्छा, रेगुलरली कुछ ऐसी प्रैक्टिस आपकी दुकान पर होती है कि कभी आपको ये तो है एक चीज़ जो आप अपनी आँख से देखी, कभी आपके जो सेल्समैन हैं वो कुछ बताते हैं या नहीं? सेलमैन भी बताते हैं लेकिन मैंने उनको मना किया हुआ है कि इसका जिक्र नहीं करते हैं। अच्छा। और अब जब आएँ तो कभी दरूद शरीफ पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, लेकिन वो महसूस नहीं कर सकते आप। हाँ, जो इंसानी रूप में ही होते हो। अच्छा, मैंने ये सुनी है बात कि नहीं असर, असर अपने मोबाइल में लग गया ना, मतलब हाँ शो पे बैठे हुए लाइव में मोबाइल। हाँ, जैसे नहीं हमें कौन बता रहे थे ना कि रात को 10-11 बजे के बाद जो है मिठाइयों की दुकान पे ऐसा है कुछ? हाँ, ऐसा ही होता है, 11 और 12 के दरमियान होता है।
अब देखे ना 11 और 12 के दरमियान आप मिठाई कितनी खा लेंगी। हाँ। अगर अपने घर के लिए ले जा रही हैं तो एक पाव ले लेंगी, आधा किलो ले लेंगी। हाँ। इससे ज़्यादा क्या खाएगा घर में बंदा। अब एक शख्स आ रहा है, अब इत्तेफाक ये हुआ एक दफ़ा ऐसी जी, जो मैंने आपसे जिक्र किया इससे पहले भी, कि तकरीबन 12:15 बजे 20 किलो मिठाई के कस्टमर आ गए। 5 किलो गुलाब जामुन दे दें, 5 किलो बर्फ़ी दे दें, 5 किलो चमचम दे दें, 5 किलो लड्डू दे दें। मैंने सेलमैन से कहा आर्डर पैक करो, वो भी हैरान। हाँ। रात को 10:45 बजे मिठाई, तो वो कहने लगा उनसे ये क्या आपके यहाँ कोई तकरीब है या लेट हो गई है तकरीब या क्या है। मैंने कहा आप मिठाई दें मुझे बस। तो मैंने उससे खामोश किया, मैंने कहा आप अपना काम करें, जो ये मांग रहे हैं उनको वो दे दिया। अच्छा पैसे दे के जाते हैं? पैसे दे, फ्री में नहीं लेके जाते। मैं भी पूछने वाली थी। अच्छा आपको कैसे पता चलता है कि ये इंसान नहीं है? वो तो रूप में तो होते, कोई उनकी हरकत, सिर्फ ज्यादा मिठाई लेना या कुछ? ज्यादा मिठाई और बड़े पाक साफ। हाँ मैंने सुना है आँखें नहीं छपकते, मैंने जो सुना है कि उन जब वो देख रहे थे वो स्टिल देखते, ब्लिंकिंग नहीं होती। बेटा ऐसा है कि एक अक्स भी होता है ना, जैसे आप शीशे के आगे खड़े होते हैं तो आपका एक अक्स नजर आता है, वो चीज़ उनमें नहीं होती। हाँ। अच्छा ये कंफर्म है? जी जी, वो शीशे में नहीं देखते हैं? जी बिल्कुल। शेडो नहीं होता उनका? शेडो नहीं होता है, सही कहा आपने। नहीं शेडो नहीं होता, ये मिरर में नहीं देखते, शीशे में नहीं देखते, रिफ्लेक्शन नहीं होता। नहीं उनका शेडो नहीं होता, शेडो नहीं कहेंगे उसे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। शेडो तो होता ना अंधेरे में जो शेडो नजर आए, मतलब वो भी नहीं होता, साया वो भी नहीं होता, और मिरर में जो रिफ्लेक्शन आती है वो भी नहीं होती। अच्छा वो आईने में दिखते ही नहीं अगर है ना? अब जैसे कि काउंटर का मिरर लगा हुआ है, मतलब जो लुकिंग के अलावा होता है। हाँ। तो हल्का सा शेड आ जाता है ना अगर हम सामने खड़े हो। हाँ। अच्छा निधा मेरे साथ एक वाकया हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह के मैं रात को सो रही थी तो मुझे ना ऐसा लगा कि किसी ने आग पकड़ के मेरे कमर के अंदर, लिटरली मुझे ऐसा लगा, मैं समझी मैं शायद ख्वाब देख रही हूँ। मेरा पूरा ये निचला दर्द जो है ना, बिल्कुल जो है ना ऐसा लगता था किसी ने आग भर दी, भरी हो आग अंदर। मैं चीख के उठी हूँ और मैंने सामने देखा कर्टन्स थे, कर्टन्स पे इतनी मोटी मोटी आँखें मुझे घूर रही थी, सिर्फ मुझे आँखें नज़र आ रही थी। और मैं इस तरह थी कि मैं उठ नहीं पाऊँ, मुझे इतनी जलन मेरी कमर में कि मैं हद नहीं, और इतना बर्डन महसूस कर रही थी। और मैं सामने उसको देख रही थी तो वो पलके चपक नहीं रहा था, मुझे एक शेडो जो नज़र आया वो बिल्कुल ऐसा। और न मेरे कमरे की जो वो छत है काफ़ी बड़ी है, उस बड़ी छत पर, और वो ब्लिंक नहीं कर रहा, वो मुझे देखे जा रहा। अच्छा अब मैं बोल रही हूँ कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ूँ, मैं भूल गई, मैं सूरह फातिहा पढ़ूँ भूल गई, मेरे गुज़बम यानी कि पूरे रोंगटे खड़े हैं। दर्द और की शिद्दत एक अलग है कि मुझे वो जो तकलीफ़ हो रही है वो एक अलग है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। उसके बाद जब जाहिर सी बात है कि मैं उसको देखती रही, वो ये सिलसिला जो है ना तकरीबन 2 से 3 मिनट चला है। उसके बाद वो डिसअपेयर हुआ और मेरी चीखें निकली कि मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखी हूँ। और उस हमारे कमरे के ना छत पर भी कोई बॉल से टक 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 होता रहता था। और टेरेस पे भी अगर मैं देखूँ ना कि जैसे बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा कि अच्छा लगता ना जब पहली बारिश हो तो कहते नहीं जाना चाहिए, तो मैं अंदर से ही देख रही थी तो मैंने देखा कि बाहर मैंने वो रखा हुआ है अपना टेबल चेयर वगैरह, तो बाकायदा किसी ने चेयर पीछे की और कोई उठा। जब उठा जैसे यासिर भाई बोल रहे थे ना कि वाइट शेडो सा नज़र आया, शक्ल वक्ल नहीं नज़र आई लेकिन वाइट शेडो सा नज़र आया। तो ये मेरे साथ 2-3 ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने खुद वो देखी, अपनी आँखों से देखी। जब भी मैं इनसे पूछ रही थी कि क्या वो आँखें पलक चपकते, क्योंकि जिसको मैं देख रही थी वो बिल्कुल भी पलक नहीं चपक रहा था और वो मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। और फिर बहरहाल फिर आगे के किस्से अलग है, लेकिन ये जो बहुत हॉरर सा जो मेरे साथ मेरी जिंदगी में हुआ है उसको मैं कभी नहीं भूलूंगी। हाँ। मेरे दानियाल को उठा के, जब दानियाल छोटा था मैं एबटाबाद में थी, एबटाबाद के कमरे में बहुत असरात थे और बाकायदा जिन्नात थे उस कमरे में, मुझे नहीं पता लगा एबटाबाद कोई होटल था या क्या, घर था वहाँ पे एबटाबाद में। तो एबटाबाद में दानियाल बहुत छोटा था मेरा बेटा, तो अब वो छोटा इतना था कि जाहिर है ना वो क्रॉल करता था ना वो चलता था, बेबी बॉर्न था। हाँ। अच्छा मैं सो तो रात में जब मेरी आंख खुले तो दानियाल बेड से नीचे गिरा हुआ है। हाँ। और रो रहा है। हाँ। मुझे समझ ही ना आए कि अब मैं समझूं, मुझे कुछ समझ ना आए कि अल्लाह ये क्या है जादू, ये कैसे चला जाता है।
मैं अजीब से परेशान ना, हर दूसरे तीसरे दिन दानियाल बिस्तर के नीचे गिरा हुआ है और वो रो रहा है जैसे किसी ने उठा के उसको नीचे फेंक दिया। मैं उठूँ, ये इस तरह के रोज के तमाशे शुरू हो गए थे। अच्छा फिर मैं किचन में हूँ तो घर बहुत बहुत बड़ा था एबटाबाद में मेरा, तो मुझे मैं किचन में हूँ तो मुझे आवाज़ आती थी कि मेरे रूम में टीवी चल रहा है और बाकायदा टीवी चल रहा है। मैंने कहा ये कैसे टीवी, अभी तो बंद करके आई हूँ। फिर मैं कमरे में गई तो टीवी बंद, फिर मैं निकलू मैं काम कर रही हूँ टीवी जोर जोर से जैसे न्यूज चल रही है गाने चल रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। फिर मैं कमरे में जाऊँ तो टीवी बंद। इस तरह की चीजें हुई। फिर जैसे मैं दानियाल को जैसे पैम्पर चेंज कर रही हूँ या उसको उठा रही हूँ, ऐसे झुकने झुकती जब मैं थी तो ऐसा लगता था जैसे पीछे से ना इतना रश हो गया है कि जैसे मेरा दम घुटता था। कि जैसे सारे लोग, इतने लोग आ गए कि सांस लेने की भी जगह नहीं और कमरे में कोई नहीं होता था। सिर्फ मैं और बेटा होते थे। कैसे रही उस घर में भाई? बस फिर वो आती हो जाए, एक बुजुर्ग थे वहाँ पे उनके पास में गई थी। अब तो खैर वो इंतकाल कर गए, जी बाबा नाम था उनका। अच्छा। और वो बड़े अच्छे और बड़े जेन्युइन बुजुर्ग थे। उनके पास में गई तो उनको मैंने बताया कि मैं तो मेरी ज़िंदगी बड़ी परेशान हो गई, मैं डर गई थी कि इस तरह हुआ है। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ और जाके सिर्फ मेरा नाम लो। तो दरवाजे का जो कमरे का जो आपकी जो एंट्रेंस है जो चौखट होती है उस पर कहते खड़े होके मैंने उनका नाम लिया कि अगर आप लोग कोई भी कमरे में है तो मैं जी बाबा से शिकायत कर दूँ। अच्छा। उसके बाद मतलब वो इतने बड़े बुजुर्ग थे कि फिर उसके बाद से मुझे आपने ये बात की है ना निदा, मेरा जब मैं कराची शिफ्ट हुई थी ना तो मेरा अपार्टमेंट मैंने यहाँ पे लिया था कराची में ना, तो उस अपार्टमेंट में मैं 7-8 साल रही। लेकिन उस अपार्टमेंट में मेरे शिफ्ट होने के 1 साल के बाद कुछ अजीब चीजें मेरे साथ होती थी जो मैं हमेशा इग्नोर करती थी। वो ये होता था कि जैसे मैं रात में सोई हुई हूँ तो मैं करवट फेस होती हूँ, लेकिन जब गहरी नींद नहीं होती तो बिल्कुल सीधी हो जाती हूँ। ठीक है। तो मुझे लगता था कि मेरे ना भार आ गया शदीद, मुझे कोई मेरे जैसे मेरे ऊपर बैठ गया है। और मैं उठ आदि में जाग जाती थी, ये भी नहीं है कि मैं नींद में हूँ, मैं जाग भी जाती थी और मैं उठ नहीं पाती थी। और ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती थी उसी सिचुएशन में। जब आयतल कुर्सी जैसे खत्म होती थी तो एकदम से जैसे सांस आई और भार हट गया। फिर दूसरा ये इधर ये आपकी जगह ना बंद हो जाती है। और दूसरा ये होता था अक्सर मतलब बहुत दफा मेरी, एक तो पानी माशाल्लाह मैं बहुत पीती हूँ तो मैं ना रात में भी उठ बाथरूम जाती हूँ, तो मैं गहरी नींद में भी होती हूँ तो मैं उठती हूँ। मैं कभी अभी भी नहीं होता, उस वक्त हुआ करता था कि मैं जिस जगह पे सोती हूँ ना मैं सिर्फ उसी जगह पे सो रही होती हूँ, वहीं करवट लेती हूँ, वहीं सीधी हो रहती हूँ, मैं पूरे बेड पे नहीं घूमती। तो मेरी जब आंख खुलती थी ना वहाँ पे तो मेरी टांगे ऑलमोस्ट बेड के नीचे उतरने वाली होती थी, मैं पीछे जगह खाली होती थी बिल्कुल, पीछे रह चुका होता था। वो भी मैं इग्नोर करती थी। दो तीन दफा ऐसा हुआ, मैंने अपने रूम में ना पूरी वॉल पे मिरर लगवाया हुआ, तो जैसे हम लोग तस्वीर नहीं खींचते कैमरे से शीशे की तरफ कैमरा करके, तो 2-3 दफा ना वो तस्वीरें ही मैंने खींची और इग्नोर मतलब अपने ही नोट किया इतना। और उसके बाद मैंने जब नोट किया तो मैंने देखा कि बकायदा क्लियर एक बहुत ऊंची कोई शख्सियत है जो मेरे साथ खड़ी हुई और उनका कहीं ऊपर जाके शोल्डर शुरू हुआ। पिक्चर में आया। वो मैंने तस्वीर बहुत साल तक संभाल के रखी कि मैं शायद किसी को दिखाऊंगी तो मैं पूछूंगी ये क्या है और क्या नहीं है। फिर मैंने नहीं पूछा और ये वो, तो मेरी अम्मी ने कहा कि मेरी अम्मी ने ना वो नादे अली के और आयतल कुर्सी के स्टिकर मिलते हैं दरवाजों पे लगाने के लिए, मेरी अम्मी ने वो दिए कि ये लगा दो तुम अपने घर के हर दरवाजे पे। मैंने वो लगाए, उसके बाद कहीं बेहतर हुआ। और फिर कुछ तस्वीरें दी अम्मी ने कि ये रात को सोने से पहले पढ़ा करो, तुम्हें ये जो होता है वो नहीं होगा। अदरवाइज अच्छा फिर ये होता था मैं किचन में बर्तन धो रही हूँ और मुझे लगता था मेरे साथ पे खड़ा मुझे यूं करके देख रहा है ना, अब महसूस हो जाता और जैसे ही मैं देखती थी तो कोई नहीं होता था। फिर मैं कहती थी मेरे आप ये देखें, अल्लाह मैंने इंसान को नजर ऐसी दी हुई कि हम यहाँ वहाँ सब देख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई कोई खड़ा है तो मुझे साफ नजर आ रहा है, फील हो रहा है, मैं देखती हूँ तो कोई बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम एक दूसरे को जैसे
फैमिली में बैठते हैं आप डिस्कशन करते हैं, दोस्तों में बैठते हैं ऐसे डिस्कशन करते हैं ना, हम अच्छाई बुराई कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, हम सब आपस में एक दूसरे से किससे शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, किससे शेयर कर रहे हैं, ये सब हुआ था, जैसे मैंने अपनी अम्मी के बारे में बताया, खाला के बारे में बताया, फिर ये चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मतलब एक जेन्युइन चीज भी है जी। मेरा जो रेस्टोरेंट है फॉरेस्ट, तो उसमें वो काफ़ी पुराना प्लॉट है, वो जगह ना बहुत पुरानी है, तो 12-15 दरख्त लगे हुए हैं जो कि 50-60 साल पुराने दरख्त हैं, लेकिन उस आप दरख्तों के नीचे बैठे हैं इतनी रूहानियत मिलती है, इतना सुकून मिलता है कि जो हम काम करवा रहे थे जब उस वक्त, तो ठेकेदार हमारा जो है वो कहता मेरे 3-4 काम चल रहे हैं लेकिन मेरा यहाँ से उठने का दिल नहीं चाहता, इतना सुकून है यहाँ पर, इतनी रूहानियत है वहाँ पे, पॉजिटिविटी के साथ जी। आपको ना आपके फीलिंग्स आती हैं जब अगर दरख्त हैं पुराने या अच्छे अच्छा माहौल उससे साया होता है, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। तो आयशा हमारे साथ हैं, आयशा कुछ अपने बताना चाहती हैं आप भी थी, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो मिलते हैं ना आपको अभी लाइक अभी मैं जिक्र कर रही थी अपनी दोस्त का, उनका फ़ोन भी आ गया और जो कि दुबई का पूरा किस्सा सुना रही थी कि उनके साथ रियलिटी में ऐसा हुआ और मुझे ये किस्सा सुनाया था, उनका फ़ोन भी आ गया, तो मैंने यही कहा था कि वो इतना पढ़ती थी कि उनको उन्होंने लाइक दिल जीत लिया और वो अपना कारोबार वहाँ चला सकी, उनकी आप बीती थी जो मैं लोगों से डिस्कस कर रही थी। आयशा आप क्या बताना चाहेंगे? मैं भी कुछ वाक़यात हैं जो मेरे साथ गुजरे हैं और मेरी अपनी बहन छोटी बहन के साथ ऐसा हुआ कि वो बहुत जब वो 10-11-12 साल की होगी, हम अपनी फैमिली के साथ एक जगह गए ना तकरीब में, जब वहाँ से वापस आए तो 12-12:30 बजे का टाइम था ना, तो ऑटो में आ रहे थे हम लोग, हमारा ऑटो रुका एक सेकंड के लिए रुका और फिर स्टार्ट हो गया, लेकिन उस वक्त तो किसी ने इतना नोटिस नहीं किया इस बात का कि ये क्या हुआ था, हालांकि बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड था, कोई रुकावट भी नहीं थी, लेकिन फिर जब हम लोग घर आ गए तो वो बहन मेरी जब रात को सोई है और सुबह जब वो उठी है तो उसको बुखार हो रहा था। अच्छा, वो बहुत खूबसूरत है मेरी छोटी बहन, बहुत आइस उसकी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत लंबे लंबे बाल हैं, तो उसके अक्सर होते हैं लोग उसकी तारीफ भी बहुत करते हैं, तो अम्मी ये समझी कि शायद उसको नज़र लग गई है, अम्मी ने सुबह पढ़ के दम वम किया उस पर और उन्होंने कहा शायद इसको नज़र लग गई है, लेकिन अम्मी ने नोट किया कि थोड़े थोड़े दिनों में कुछ कुछ लग रहा था कि चेंज आ रहा है इसमें ना, डरती थी, खौफ ज़्यादा हो गई थी, फिर कुछ टाइम के बाद ना वो रात को जब सोती तो लेटे लेटे कहती कि ना वो बैठा हुआ है, वो देखे वो सामने मुझे देख रहा है, वो देखे पाँव लटका के बैठा हुआ है, उसके बेड के सामने शेल्फ टाइप था तो उसकी तरफ इशारा करती थी, तो बस इस तरह की चीज़ें होती थी थोड़ी बहुत, तो अब मैं जो है मतलब मैं भी डरती थी इन सब चीज़ों से, तो अक्सर होता था कि उसकी चोट के निशान नज़र आ रहे होते थे आपकी बहन के जी, और उसकी शादी नहीं होती थी, रिश्ते नहीं हो रहे थे, तो इस तरह के कुछ वाक़यात हो जाते हैं। उसके अलावा मेरा अभी रिसेंटली आपकी बहन की शादी हुई कि नहीं? नहीं हुई, उसकी शादी नहीं हुई अभी तक, जबकि आप कहीं थी बहुत खूबसूरत। जी जी, आपने पता करवाया कि क्या जी वजह? जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो सभी ने यही कहा कि आप रूहानी इलाज करवाइए, तो जब रूहानी इलाज के लिए गई अम्मी तो पता चला किसी ने कहा कि कुछ मसला है, मतलब तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस ये कहा कुछ मसला है। क्या रिश्ते आते ही नहीं थे या चले? नहीं नहीं आते थे बहुत रिश्ते, लेकिन ना जिस पे काबिज हो जाए ना उनकी फिर शादियाँ नहीं होती। हमारी फैमिली में भी है एक खातून, उनके साथ रहा है सारी ज़िंदगी ये मसला ना, और हम बचपन से सुनते आए हैं, अभी तक अभी कुछ साल पहले तक भी सुनते आए हैं, वो अभी कोई 65-68 की हो गई है, उनकी शादी नहीं हुई, जहाँ पे बात होती थी इवन निकाह होते होते रुका, मंगनियाँ होते होते रुकी, वो उनकी शादी होने ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है, अभी रिसेंटली मुझे नहीं पता कि क्या था क्या नहीं, मेरे पिछले साल की बात है कि मेरे बेटे की डेथ हो गई। आपके बेटे की? जी। अच्छा, 31-32 ये एज थी उसकी। अरे बहुत अफसोस। तो उसी दिन मेरी बेटी की माइयों भी थी। अच्छा। और उसी दिन सारे काम हो गए थे, हम तैयारी कर रहे थे और एक इवेंट शुरू होने वाला था, घर में ही माइयों रखी थी, उसने सारे काम सुबह से सब कुछ किए मेरे बेटे ने, और उसके बाद शाम में जब लोग इकट्ठा होना शुरू हुआ, मैं खुद तैयार होकर खड़ी हुई थी, मैं घरारा पहनी हुई तैयार हुई हुई थी बिल्कुल, और
बस पता नहीं मुझे क्या हुआ अचानक कि मैंने उसको बोला कि बेटा अपनी बहन के लिए ना गजरे ले आओ, तो ना उसने कहा कि अम्मी क्या ज़रूरी है, बस उसने मुझे एक जुमला कहा अम्मी क्या ज़रूरी है, मैंने कहा कि हाँ ले आओगे तो अच्छा है, बहन खुश हो जाएगी, उसकी पिक्चर्स अच्छी आएंगी, तो वो फिर ना गजरे लेने चला गया। अब वो गजरे लेने गए, उसकी गजरे वाले की दुकान पे उसकी डेथ हुई है, तो लोग कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कुछ ऐसा मसला हो, क्योंकि मगरिब का टाइम था। नहीं तो वो उस कुछ मतलब लाइक वो बुखार बुखार कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं तो वहाँ गए तो क्या हुआ उसको, कोई हार्ट अटैक हुआ या क्या? नहीं, उसको ये हुआ कि वो एक शॉप थी स्टेशनरी की और फूलों वाले की दुकान ना इतना फासले पर थी, थोड़े जैसे ये स्लैब बना हुआ है ना इस तरह, वो फूल वाले की दुकान पे गया, उसने पहले उसकी स्टेशनरी वाले के पास गया, उसने कहा मुझे पानी पिला दें प्यास लग रही है, तो उसने पानी पिलाया, पानी पी के वो फूलों वाले के पास आया, उसने वहाँ खड़े होकर इंतकाल से 10 मिनट पहले मेरी बेटी को फ़ोन किया है, उसने कहा मुझे नहीं मिल रहा ना फ्लावर जो तुमने मंगवाए नहीं मिल रहे, तो वो उसने कहा नहीं मुझे वही चाहिए भाई, मुझे वही वाले चाहिए, तो इतनी बात हो रही है उसकी सबसे। अब वो यहाँ आके फिर उसने पानी पी के और वो कुछ चेंज लेना था उसको शायद, तो वो जैसे फ्लावर वाले की दुकान से वापस पलटा ना एक कदम वहीं गिर गया वो, तो वो जैसे ही गिरा ना तो स्टेशनरी वाला भाग के गया और उसने जाके अजान देनी शुरू कर दी। मैंने उसको बोला तुमने अजान क्यों दी थी, लोग तो कलमा पढ़ा देते हैं, तुमने अजान क्यों दी? वो कहने लगा बाजी मैंने इसको अजान देनी शुरू की, अजान ये मेरे साथ दोहराता रहा और जैसे ही मैं हयालल फला पे पहुँचा तो ये खड़ा हो गया, और फिर खड़ा होके ना उसने कहा मुझे शहद मंगा दें, शहद मंगा दें। वैसे तो हम लोग शहद बहुत यूज़ करते हैं शायद इसलिए, लेकिन उसने कहा मुझे शहद मंगा दें, वो शहद उसने मंगाने के लिए उसको बच्चे को भेजा, फिर वो खड़ा हुआ तो वो कहने लगा कि ना एक काम करो तुम वहाँ चले जाओ शॉप के उस तरफ जाके बैठो, तो वो 2 कदम गया और फिर गिर गया दोबारा, और जब गिरा तो उसने कलमा पढ़ा दिया, और कलमा पढ़ाते उसकी डेथ हो गई। अब ये नहीं पता कि लोग कहते हैं मुझे कि ऐसा मसला हो सकता था शायद ये हुआ होगा इस तरह के मामलात हों, मुझे नहीं लगता। बहरहाल ये जैसे आप आपने, बता रही हैं आपने कोई टेस्ट वगैरह कर मतलब इस तरह कुछ पता कुछ चला हार्ट अटैक निदा कुछ मौका ही नहीं मिला, जहाँ भी ले गई उन्होंने कहा आप बहुत देर में लाई हैं मुझे खुद नहीं पता। नहीं बहुत यंग बच्चों के भी हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है कुदरती, हम ऐसे होता है कुदरती, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अच्छा जब किसी ने मुझे कहा ना ये इस तरफ मेरा ध्यान दिया कि जी शायद ये मसला तो नहीं था, तो मुझे याद आया कि वो कुछ दरियाँ वगैरह लेकर आया था ऊपर ना, तो उसने बिछाई थी दरियाँ, तो वो कहने लगा अम्मी किसी दरी में से ना मुझे स्मेल आ रही है थोड़ी सी, इतर निकाला और इतर लेके हाथ में लगा के इधर उधर लगाया, उसके बाद वही इतर जेब में रख के और वो चला गया। तो मुझे थोड़ा सा लगा, बहरहाल मेरा तो इस बात पे यकीन है कि अल्लाह का हुक्म होता है तो तभी मौत होती है, इंसान अल्लाह के हुक्म के बगैर जा ही नहीं सकता, एक ज़र्रा भी नहीं मिल सकता, तो मौत तो बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, लेकिन जब लोग कहते हैं तो आपका जहन जाता है उस तरफ। हाँ हाँ, मैंने सुबह सुबह उदास हो गई, मैं कुछ और सोच रही थी कि हम जैसे आपस में जिक्र करते हैं, जिक्र करेंगे चीज़ ख़त्म हो जाएगी, होती है ये चीज़ें सबके साथ, बिल्कुल बेयर की भी होती हैं सब ने। एक मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं इंडिया ही नहीं बहुत सारे और ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह की डिस्कशन होती है। यूके में एक सड़क है जो मशहूर है दुनिया में डेड स्ट्रीट के नाम से, तो आई डोंट नो कि कुछ देर बाद वो बातें जो हैं ये वाली शायद थोड़ा घबराहट सबको होने लगी है। हाँ जी, तो वो कुछ ऐसा सिनेरियो है। अगर आप कॉल्स पे हमसे अपनी कुछ आप बीती शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको मौका दे रही हूँ, आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आप जिस तरह हमने कोई अपनी आप बीती आपसे डिस्कस की है शेयर की है तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ मैं अच्छा क्या, और भी मैं जैसे सीरियल थी दिल दिया दहलीज मेरा, वो बताया मैंने 2 साल चला है मेरा उस सीरियल, तो ये कैंट में कुछ पुरानी बिल्डिंग है, ब्रिस्टल होटल था पहले, मैंने 2 साल वहाँ काम किया। नहीं मैं सीरियस देखा कुछ हुआ है जी, वो हमारा अच्छा, भी एक प्ले हुआ है वहाँ पे, वहाँ बहुत शूटिंग हुई, बहुत शूटिंग। अच्छा वो चीज़ वो लोकेशन इंट्रोड्यूस ही हमने की थी। अच्छा, वो दरवाज़ा खटखटा के हम रिजवी साहब होते हैं, अलग जिसका इल्म नहीं है जी, उनसे जाके हमने बात की थी, हमने कहा हमें लोकेशन चाहिए शूट करनी है, वो खुद नीचे ही रहते हैं, खुद नीचे कोने में रहते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उसके बाद मैं 2 साल बाद हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2 साल तक कोई और शूट नहीं होगी, उसके बाद आप शूट कीजिएगा। फिर मुझे 5-6 साल बाद लोगों ने बताया कि वहाँ ये साया है, वहाँ ये जन्नात है, वहाँ ये चीज़ें हैं, वहाँ ये,
मतलब मैंने 2 साल वहाँ शूट किए है और 2 साल में मैं अकेला या मेरे साथ DOP हम सेकंड फ्लोर पे भी गए, थर्ड फ्लोर पे भी गए, छत पे भी गए कि यहाँ शूट कर, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा। सही। मैंने आज तक ना ऐसा कुछ सुना, ना कोई आवाज़ सुनी, ना ऐसा कुछ मैंने ऐसे कोई महसूस किया कि कुछ साया है या कुछ चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं था। अब वो 4-5 साल पहले से भी आपने कान पकड़ लिए ये वो मैं इस तरह मुझे लोग बोला यार आप कैसे शूट किए यहाँ पर, यार मुझे तो नहीं नज़र आया कभी ऐसी कोई चीज़। तो कुछ बाज़ अवकात आप पुरानी इमारत में आप जाते हैं, बिल्डिंग से जाते हैं तो बाज़ अवकात आपको खुद भी फील हो रहा था कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ अवकात वहम भी होता है लोग। नहीं, हमारी तो लाइट्स फट जाया करती थी उसी जगह, उसी जगह लोकेशन पे। ऊपर वाली जिनके आप बात कर रहे हैं वो खुद नीचे रहते थे, कोने में नीचे रहते थे, तो उनका वॉशरूम भी हम लोग यूज करते थे अक्सर, क्योंकि उनका वो साफ वही होता था, क्योंकि उनका घर था नीचे, वो 1-2 रूम जो उन्होंने अपने सेट किए हुए थे और ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल खाली है, तो अपने हिसाब से आप सेट कर लो हर शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो हमारा, मेरा और मारिया वास्ती जी का जब भी सीन हो रहा होता था, वजाह डायरेक्टर था, तो हर दूसरे तीसरे सीन में एक दो लाइट्स फटती थी। और वही वाली बात आ गई कि जैसे आपने ये भी अभी ब्रेक में भी बोला था कि इग्नोर करो एंड ऑल, तो हम इग्नोर ही करते थे। मतलब मारिया जी भी इस मामले में बड़ी वो है, समझदार है, वो भी इग्नोर करती थी, लेकिन कभी कभी मेरी बत्ती गुल हो जाया करती थी कि नहीं नहीं सामने बिल्कुल ये कोने वाला घर है ना, बीच रोड है, रोड के सामने बिल्डिंग है। अच्छा, उसमें बिल्डिंग नहीं थी, खाली प्लॉट था। क्या देखता हूँ, 2 बड़े बुलडोजर ट्रक आए, वो उसकी खुदाई हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, बोला अपार्टमेंट बन रहे हैं आप। अरे मैं कहीं तो मेरा ऑडियो तो बिड़ा गर्क हो जाएगा मेरा, और शोर ठीक था आपके सामने और टक 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 आ रहा, आवाज़ें हो रही है इतनी कि आप साथ खड़ा हो बंदा बात भी नहीं कर सके। सही। तो मैंने कहा ये कैसे होगा काम मेरा, तो अगर ये तो ये खुदाई कम से कम चलेगी 15-20 दिन, फिर उसके बाद इमारत बननी है, अब काम होना है, शोर होना है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह मेरी मदद कर मेरी, मैं तो पहले मेरा परसों शूट है मेरी, अच्छा मैम शूट पर आए उसमें ठक 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 चल रही है, हमने कमरे में सीन किया, आवाज़ आवाज़ बंद करके कुछ कर करा किया, तीसरे दिन देखता हूँ कि आवाज़ नहीं आ रही, मुझे थोड़ी सा ख्याल है आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, देखा काम वो सब ट्रक से खड़े हुए हैं, बुलडोजर खड़े हुए हैं, सब कुछ काम नहीं हो रहा। अच्छा। तो पता चला वो पड़ोस वाली बिल्डिंग ने किसी ने स्टे ऑर्डर ले लिया, काम ही रुक गया वहाँ पर। मैं कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, और कसम खुदा की 2 साल बाद जिस दिन मेरे शूट का लास्ट डे था उस दिन काम शुरू हो गया। पता लगा वो केस जीत गया, आपका बिल्डिंग बन सकती है, उसके बाद बनी बिल्डिंग। उस जगह पे ना आप एक तो दिन के टाइम ही इतनी वहशत है कि आप दिन के टाइम एंटर ही होते हो ना, अभी तो वो बिल्डिंग देख के लगता है कि पता नहीं यहाँ पे आप शायद ही बैठ सको घंटा एक, और रात के टाइम तो अल्लाह माफ करे तो उस जगह आप हमें बता रहे हो, हमने नादानिया का एक एपिसोड शूट किया है, चमगादड़ निकलते हैं शाम 7-8 बजे के बाद, मैंने आज से नहीं देखा, मैं 2 साल नॉन स्टॉप शूट किया वहाँ पे, और दूसरा कुछ लाइट फटती थी मतलब आपको वो इस चीज की श्योरिटी दे देती थी जगह के, यहाँ यहाँ पे है सस्ता वाला होगा ये भी हो सकता है। बहरहाल मैं आप लोगों से कहूँगी अगर आप लोग कुछ अपनी बारे में अपनी बातें हमसे शेयर करना चाहते हैं तो फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, इन सबको तो सांप सूं गया है, ये सब इनके पास जो किस्से थे ये बिल्कुल ब्लैंक। साइमा को तो बहुत ज़्यादा सांप सूं गया है चुकी हूँ के सूचना बहुत कम लोगों को महसूस होती हैं ये चीज़ें, मतलब मेरे हस्बैंड को महसूस हो जाती हैं, हम लोग रेंट पे अगर रहते हैं कोई घर देखने जाते हैं तो वो पहले एंटर होते ही कह देते हैं कि नहीं सही नहीं है, तो हमें नहीं पता चलता नहीं लेकिन उनको पता चलता है। अच्छा, समेरा हमारे साथ है, समेरा की कॉल है, समेरा हमसे कुछ शेयर करना चाहेंगी। जी समेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। जी समेरा। जी मेरा, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपनी बहन की वजह से ना। अच्छा, क्या मसला? मैं बताती हूँ आपको, मेरी जो बहन है उन्होंने अपना पार्लर खोला था अभी कुछ टाइम पहले। अच्छा, ठीक है, तो उनको पार्लर चलता नहीं था तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी, तो उनके जो दोस्त है वो किसी के पास उनको लेकर गई। अच्छा, किन के पास? मतलब जो दम दरूद करते हैं। अच्छा अच्छा, उनके पास लेकर गई ना। तो उन्होंने कहा कि
मतलब वो अजीब से थे, वो सही नहीं थे वो ना। उन्होंने मेरी बहन को ये ऑफर कर दी कि आप पहले तो अपने शौहर को छोड़ दें, उनके साथ मामला ऐसे है कि आपकी पूरी लाइफ जो है ना वो खराब रहेगी। फिर उन्होंने मेरी बहन को तंग करना शुरू कर दिया कि आप मुझसे निकाह कर लें। ठीक है, अब जब मेरी बहन ने देखा जब ये आदमी तो सही नहीं मेरे पीछे पड़ गया, तो उसने अपने दोस्त को भी छोड़ दिया, उसने वहां जाना भी छोड़ दिया, जाहिर सी बात है। अब उसके पॉलर से ना तावीज निकल रहे हैं। ठीक है, अभी निकल रहे हैं? जी जी जी, कभी कुछ 5 तावीज उसके पॉलर से निकल चुके हैं ना। उसके जिस्म पर इतने बड़े बड़े निशान पड़े होते हैं, जब वो कभी सुबह सोकर उठती है, कभी उसकी सोते सोते एकदम आँख खुल जाती है, ऐसा लगता है जैसे उसको कोई पकड़ रहा है या कोई उसके साथ कुछ मतलब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इस तरह के वाकयात उसके साथ हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है वो। मैं आप सही कह रही हूँ समेरा कि थैंक यू आपने ये चीज़ हमसे शेयर की, क्योंकि लोग जो है ना वो बहुत गलत लोगों के पास चले जाते हैं, वो गलत भी आपको वो गलत गाइड करते हैं, फिर ये चीज़ें आपको और चिपक जाती। बिल्कुल, वो बहुत जाहिल लोगों के पास और वो जिन्होंने ये कारोबार बनाया हुआ होता है, तो लोगों को इस जहालत को अवॉइड करना चाहिए। सबसे बेस्ट चीज़ है खुदा का कलाम, बेशक सबसे बेस्ट चीज़ है। किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं, जब अल्लाह और आप डायरेक्ट हो सकते हैं तो किसी के पास जाके तावीज़ गंडे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहती हूँ नमाजें पढ़े, जैसे मैंने आपको अपनी दोस्त की मिसाल दी थी जो दुबई में जिनके पास इतना कारोबार उनका डिस्टर्ब हो रहा था, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ खुदा का कलाम पढ़ा और फिर फ्लरिश किए हैं वो वहाँ पे। तो मैंने तो आपको मिसाल बता रही हूँ। देखिए इस तरह के जितने वाकयात हमारे घरों में भी अगर होते हैं, या हमें कभी इन 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 जन्नात के अलावा अगर हम फील करते हैं हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज हो रही है, तो सबसे बेस्ट होता है आप अपने घर में कुरान मजीद की तलावत चला दें, के मंजिल लगाएं, मंजिल लगाएं, सूरह बकरा लगा बकरा, सूरह बकरा बकरा चला दे, सारे अल्लाह के कलाम में बरकत। हां, ये चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। मैं आपको बताऊं निदा, मेरी बहन, एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर आप बताइएगा आयशा, ठीक है? एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, आप हमारे साथ शो देख रहे थे, एक गेस्ट हमारी कम हो गई, उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई है तो वो चली गई हैं, और बाकी नताशा, यासर और सायमा कुरैशी यहाँ मौजूद हैं, आयशा और मक्का स्वीट्स के जो ओनर हैं उनके साथ। इससे पहले कि मैं आयशा का किस्सा सुनूं, यासर आप कुछ बताना चाह रहे थे? रात में दोस्त अपनी दादी का किस्सा सुना रहा था। अच्छा, कहा जाता है बड़े बूढ़े जो कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न, वजह, लॉजिक होती है। तो चौखट पे नहीं सोना चाहिए, दरवाजे की ना चौखट के साथ कहते नहीं सोना चाहिए, रास्ता होता आने जाने का। बोला दादी सो रही थी, मेरी दोस्त बता रहा था, बोला वो चौखट पे सो रही थी, बोला उनको किसी ने अंगूठे से हिलाया, बोला उनको फील हुआ कुछ होया ऐसे, लेकिन वो सोई भी थी, दो दफ़ा हिलाया, तीसरी दफ़ा जोर से उठा हिलाया, बोला आँख खुली सामने को बैठा हुआ था। बोला वो तो खैर बीमार पड़ गई एकदम। तो कहा जाता है कि चौखट के साथ नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, इसमें भी एक जो रास्ता होता है चलने का, बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। तो बताए इस बात का कि दरवाजे की जो चौखट होती है, नहीं मुझे नहीं पता, हां मैंने भी नहीं सुना वैसे। यासिर अब तो मैं चौखट भी सुना है, हमने। अच्छा मैं एक बात बताऊं, जैसे हम छोटी सी एक अपनी घर की बात शेयर, वो मुझे पता उनका ध्यान कहाँ गया था, मेरा भी गया था थोड़ी देर के लिए। हाँ, हम लोग ऐसे शुरू करेंगे कि लाइक हम पहले रेंट पे रहते थे, तो हमारी जो मदर इन लॉ है वो शुगर पेशेंट थी, अब तो नहीं रही हमारे बीच, लेकिन वो शुगर पेशेंट थी, वो हमारे साथ ही रहती थी। उनको क्या होता था कि उनको ना खारिश फील होती थी, तो हमारा जो देवर है वो डॉक्टर है, वो उनको बताता था कि जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको वैसे ही खारिश फील पाँव में उनको होता था, उनको पाँव में होता था, पाँव सुन रहता था। अच्छा, वो जहाँ जहाँ भी रेंट के घरों में रही हैं, पहले वो दानिश के साथ रहती थी, फिर वो हमारे साथ रहने लगी, ज़्यादातर वो हमारे साथ ही रहीं, तो वहाँ पे भी वो ये कंप्लेन करती थी, मुझे रात को कोई सोने नहीं देता, मुझे रात को खारिश करके मेरे अंगूठे को खींच खींच के मुझे कोई जगा देता है, बच्चे हैं आके मुझे बच्चे नज़र आते, वो ऐसे कहा करती थी। हम उनको समझाते थे क्योंकि वो ये बहुत सारी चीज़ें देखा करती थी, ऐसी बहुत सारी बातें ऐसे सुना करती थी, हमने कहा शायद इनका वहम है ना। और फिर उनको उनके इंतकाल से पहले तक जब तक हम रेंट के घरों में थे तब तक उनको ये चीज़ बादर वादर घर पे याद होगा तुम्हें, अम्मी के सामने जो घर था वो खाली बिल्डिंग थी। जी जी जी, तो अम्मी कहती थी मुझे तुम नजर आते हो वहाँ पे, मुझे याद बुधर दाढ़ी बढ़ी हुई है और बिल्कुल लगता है तुम सामने खड़े हुए हो, मैं जब देखती हूँ चल सकती थी, बोला तुम नजर आते,
फिर एक मरतबा मुझे कॉल आई, हमारे लाहौर के एक्टर हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब जी, बिल्कुल, तो उनकी कॉल आई मुझे सऊदी अरब से, उमरे से, उमरा करने गए हुए थे, ये हज करने गए हुए थे। मेरी ना उनसे सलाम दुआ, ना मेरी उनसे बातचीत, ना मेरी उनसे मुलाकात, होता है ना आपकी, चलो सलाम दुआ, मुलाकात भी नहीं थी मेरी उनसे। पता नहीं उन्होंने कहाँ से नंबर लिया मुझे, सबको कॉल करते हैं, बोला मैंने अच्छा नहीं, लेकिन आप तो मिले ही नहीं हुए, मैं कभी मिला ही नहीं था उनसे आज तक, कहता मैंने आपको देखा है यहाँ पे, मैंने बोला मैं यासिर, मैं इफ्तिखार ठाकुर बात कर रहा हूँ, मैंने पता नहीं कहाँ से नंबर लिया है और मैं भी यहाँ सऊदी अरब में ही हूँ, उमरा या हज मुझे याद नहीं है, तो मैंने देखा है आपको यहाँ पर, तो जब मैंने देखा मैं आप शायद यहाँ आए हुए, तो फिर मैंने कहीं से नंबर लिया है, फिर आप कॉल किए, मैं कहता नहीं मैं तो भी नहीं उसको कहीं गया, तो मैं उनको लगा होगा तुम अभी यासिर सामने दिखे हो, हमारी मैं अपनी जिक्र करती सास का कि उनको ये प्रॉब्लम रहती थी जिसकी वजह से वो रात भर जागती थी, हम परेशान, हम क्या करें क्या नहीं करें। अच्छा उस जमाने में मॉर्निंग शोज पे भी बहुत ऐसी होते थे जादू टोना, ये है ना अजीब कोई इफेक्ट्स लगा के, तो वो तो खैर हम लोगों ने बिल्कुल ही हम नहीं करते थे उस तरह के, दूसरे और चैनल्स पर होती थी ऐसी चीजें, या बताया जा रहा होता था आपस में डिस्कशन, जादू टोना ये वो सारा, तो वो भी दिमाग में बैठ जाता था। फिर हमने ना हमने कहा कि बेचारी अम्मी को कैसे सुनाए ना, क्या करें, फिर हमने उनको सुकून देने के लिए ना हमने क्या किया, खुद हमने बैठ के काले कपड़े, याद है आपको, हमने काला कपड़े चादर फाड़ी यासर और मैंने बैठ के ना काले कपड़े कोई इस तरह बना बना के धागे लपेट लपेट के कोई चीज़ बनाई, मैंने कहा अम्मी ये लें कि किसी ने आपको आपके लिए दी है, इसको जलाएंगी रात को आपको कोई नहीं आ, उनकी उनको साइकोलॉजिकल तौर पर हमें ताकि वो डिस्टर्बेंस उनकी ख़त्म हो, जो उनको शुगर की वजह से खारिश हो रही थी उनको ये लग रहा होता तो हमने फिर याद है आप शुगर की तो हमने उनके साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यही चली, हमने सब बच्चों ने ना प्लान करके हम उनके सामने वो जलाते थे, ऐवे ही कपड़ा था और उसमें धागा लिपटा हुआ था और हम जलाते थे। अच्छा कभी कभी ऐसे भी होता है कि साइकोलॉजिकल भी आपको इस तरह की चीजें हो रही होती। ताहिरा हमारे साथ है जी, ताहिरा कुछ हमसे शेयर करना चाहेंगी, अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम अस्सलाम निदा, आपका ये टॉपिक देख के मैं कब से चाह रही थी कि मेरी भी कॉल लग जाए। एक्चुअली मेरे भाई जो हैं वो अलग हो गए थे, हमारे साथ रहते थे लेकिन उन्होंने अलग घर ले लिया था, और जब अलग घर ले लिया तो वहाँ पर वो शुरू में तो बहुत खुश थे, बहुत दिल से पैसे वैसे लगाए थे, घर को सजाया था, लेकिन वहाँ पे ना उस घर में अजीब अजीब जो है वो वाकयात होने लग गए थे। अब हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, वहाँ पर आप समझ लें कि जो भी चीज़ है वहाँ उनका पूरा बसेरा है। अच्छा। बच्चे बच्चे हैं, सब कुछ है बाकायदा, जैसे बच्चे खेलते हैं ना पर्दे के पीछे छुपते हुए नजर आ रहे होते हैं कि कोई बच्चा छुपा हुआ है, इस तरह फील होता है। हालांकि मेरे भाई और उनकी बीवी है, बस भाभी और भाई होते हैं घर में, बच्चे बच्चे कोई भी नहीं है, लेकिन जब घर पे जाओ ना तो ऐसा लगता है पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ है, हटा के देखो तो कोई नहीं होता। बहुत अजीब सी चीजें हो रही होती हैं, बिस्तरी का बटन खुद ब खुद ऑन होता है और वो इतनी तेज जो है वो गर्म हुई हुई होती है, कभी चूल्हा ऑन हो जाता है। अब हाल ये है कि उनके हालात भी बुरे होते जा रहे हैं और अगर वो सेल करना चाह रहे हैं तो लोग आते हैं पसंद करके जाते हैं पर कोई खरीदता ही नहीं है, आधी कीमत में देना चाह रहे हैं लेकिन कोई नहीं खरीदता, तो बहुत ज्यादा परेशान है। हम लोग भी परेशान हो गए, भाई की हालत अच्छे माशाल्लाह बहुत स्टैब्लिश फैमिली हो गई थी उनकी, लेकिन अब ये है कि वो समझ ले एक टाइम खाने को तरस गए, बस अल्लाह रहम करे, और यही हो सकता है उनके लिए, हम दुआ ही कर सकते हैं, दुआओं में ही असर है और आज नहीं तो कल दुआओं का ही असर होता है। उनसे कहिएगा किसी कोई भी अहमकाना हरकत ना करें, किसी के पास जाके बस सिर्फ अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह नमाज़ें पढ़ें और सजदे में जाके दुआएं करें। हम तो यही सबको बताते हैं कि सबसे बेस्ट चीज़ यह है कि आप खुद अपना खुदा से ताल्लुक बनाएं, या फिर आप वो जगह छोड़ दें। हाँ, या फिर वो जगह छोड़ दें। जी जी। अच्छा अभी क्या टाइम हुआ मेरे पास, कितना टाइम है? हाँ तुम हाँ, अब हम थोड़ा सा घबराहट, लाइक हमें नहीं अंदाजा था कि ये शो करने के बाद फील हो रही है, थोड़ी घबराहट होगी और वो हम रिलैक्स नहीं फील कर रहे, हम आपको खुदाफिस कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं अब कोशिश कर, मैंने तो सोचा था कि चलो मुख्तलिफ चीज़ें सब आपस में करते हैं वो करेंगे, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अवॉइड करूँ अब ऐसे ही प्रोग्राम्स को, तो कल हम बहुत हैपनिंग मज़ेदार सा शो करेंगे इंशाल्लाह, कल आपसे मुलाकात होगी, घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, ये बातें थी अपनी आप भी थी आपसे शेयर की, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।